न ही दर्शकों और उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले मीडिया के बीच संबंधों के बारे में यह मावल की अविश्वसनीय रूप से जटिल मल्टीवर्स में अपनी जगह को इंगित नहीं करता है जिन चीज़ों में यह शामिल है उन पर मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं करता है जबकि यह सिर्फ़ एक स्माइली आत्मसंतुष्टता महसूस करता है इसके अस्पष्ट व्यंग्यपूर्ण तत्वों के बावजूद ये सब कुछ हद हाँ तक आत्मसंतुष्ट प्रतीत होता है और यह अपने दर्शकों को एक तरह से अटपटा लगता है यह उन चीजों को लेता है जो प्रशंसकों को मावल के सबसे कम सफल प्रयासों के बारे में भी पसंद आई हैं और उन प्रयासों के बारे में उनके द्वारा बनाए गए चुटकुले और उन्हें एक बेशर्मी से कॉर्पोरेट मुद्रा में बदल देता है जिसे ठंडी नकदी के बदले बदला जा सकता है इस फ़िल्म ने इतना पैसा कमाया है इससे ये पता चलता है कि दर्शकों को कहानी की परवाह नहीं है अगर वे पहले देखी गई चीज़ों से प्रभावित हैं जिसके परिणामस्वरूप डिज्नी को गलत सबक सीखना होगा और अब और अधिक कैमियो को शामिल करना होगा वास्तव में अपनी व्यक्तिगत प्रविष्टियों की कहानियों में वास्तविक प्रयास करने के बजाय मध्यम फ़्रेंचाइजी बेशक इन सबका कम निराशावादी संस्करण यह है कि मावल अपने प्रशंसकों को बस वही दे रहा है जो वे चाहते हैं चाहे ये स्पष्ट रूप से कलात्मक योग्यता के बजाय पैसे से प्रेरित हो या नहीं ये लोगों को खुश कर रहा है और यही मायने रखता है जब इसकी बात आती है तो इसमें काफी सच्चाई है हालांकि आप एक सम्मोहक कहानी सुनाते हुए भी लोगों को खुश कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि हमें एक घटिया उत्पाद को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि यह अच्छी तरह से लिखे गए फैन फिक्शन के समान ही खुजली पैदा करता है आज के समीक्षक बहुत परेशान हैं और लगातार नाखुश होने वाली चीजों की तलाश में रहते हैं किसी फिल्म में जाएं और जो वह है उसका आनंद लेने का प्रयास करें न कि वह जो आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए एक खराब मोबाइल गेम विज्ञापन हालांकि पेड्रो पास्कल यहां दिखाई नहीं देता है कि तुलना में अधिक केमियों को सपोर्ट करते हुए डेडपुल एंड वुलवरिन 2024 सबसे अधिक मेटा फिल्मों में से एक है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। सच कहूं तो यह इस हद तक मेटा है कि यह वास्तव में अस्तित्व में नहीं है या कम से कम ऐसा महसूस होता है ये टीवी ये द्वारा निर्मित लिंबों के समतुल्य है इसलिए इसका अधिकांश कथानक घटित होता है एक बंजर अप्रचलित बंजर भूमि जिसमें लंबे समय से भूली हुई मावल फिल्मों ब्रह्मांडों के अवशेषों के अलावा कोई अन्य विशेषता नहीं है यह अपने दर्शकों की पुरानी यादों का फ़ायदा उठाता है जाहिर तौर पर मावल के फॉक्स युग के लिए एक गीत के रूप में अभिनय करता है लेकिन वास्तव में ये सिर्फ उन फिल्मों के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें केवल सबसे वफादार प्रशंसक ही याद रखते हैं प्यार से तो दूर की बात है आपको ये देखने के लिए इतना भी निंदक होने की जरूरत नहीं है कि इसके विभिन्न कैमियो और कॉल बैक अविश्वसनीय रूप से खोखले हैं किसी भी वास्तविक कथात्मक महत्व से रहित हैं इन चीजों को प्रशंसा के बजाय पहचाने जाने के लिए डिजाइन किया गया है वे जो आनंद जगाते हैं जिससे मैं अछूता नहीं हूं इस वजह से अविश्वसनीय रूप से तेजी से फीका पड़ जाता है और वे और भी अधिक शक्ति खो देते हैं जब वे अनिवार्य रूप से आश्चर्य के तत्व को लूट लेते हैं या तो स्वाभाविक रूप से एक बार की प्रकृति द्वारा उस तत्व का या कहीं अधिक आश्चर्यजनक रूप से स्वयं मावल के विपणन विभाग द्वारा कैमियोज का तो जिक्र ही नहीं अपरिवर्तनीय और हर जगह डेडपूल और वुलवरिन एक इलेक्ट्रिक पागल सवारी है जो प्रशंसकों के सामने घुटने टेकती है और पिछले पांच या छह वर्षों की कमजोर रचनात्मकता स्रोत सामग्री के अनादर उर्फ कॉमिक बुक टॉप और के लिए माफी मांगती है मावल डिज्नी द्वारा प्रशंसकों के साथ खराब व्यवहार रयान यू और बाकी कलाकारों को हंसाने के लिए धन्यवाद ट्रॉपिक थंडर के बाद से मैंने जो फिल्में देखी उनमें यह सबसे अच्छा मजा था हॉलीवुड के समय के बारे में डेडपुल तीन एक पूर्ण दंगा है यह मावल सिनेमेटिक यूनिवर्स के जीवन से भी बड़े तमाशे के साथ पिछली डेडपुल फिल्मों के अपमानजनक चौथी दीवार तोड़ने वाले हास्य को सफलतापूर्वक मिश्रित करता है क्या काम करता है तारानकन रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार है रेनॉल्ड्स अपनी विशिष्ट व्यंग्यपूर्ण बुद्धि प्रस्तुत करते हैं जबकि जैकमैन वुल्वरिन में एक भयानक आकर्षण लाते हैं जो डेडपुल की हरकतों से पूरी तरह मेल खाता है तारानकन एक्शन से भरपूर फिल्म एक्शन में कोई कंजूसी नहीं करती लड़ाई के दृश्य क्रूर और मनोरंजक हैं जिसमें डेडपुल की अति उत्साही हिंसा शामिल है तारानकन हास्य भरपूर मात्रा में मेटा हास्य पॉप संस्कृति संदर्भ और अप्रत्याशित मोड़ के साथ चुटकुले लगातार आते रहते हैं तारानकन एमसीयू एकीकरण एमसीयू में डेडपुल के प्रवेश को चरित्र और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए चतुराई और सम्मान के साथ संभाला जाता है क्या सुधार किया जा सकता है तारानकन कथानक जबकि कहानी उपयोगी है यह पात्रों और कार्रवाई को पीछे ले जाती है तारानकन गति कुछ स्थानों पर कड़े संपादन से फिल्म को फायदा यहां हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स और जैकमैन की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है उनकी बातचीत कई हास्यपूर्ण और हार्दिक क्षणों का योगदान देती है जो एमसीयू के साथ घर जैसा महसूस कराते हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी दोनों आईपी के भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं डेडपूल और वोल्वर बाकी एमसीयू में अपने निर्बाध एकीकरण के साथ निश्चित रूप से अधिकांश लोगों को आसानी प्रदान करेगा यह पात्रों के साथ उनके प्रशंसकों के समान ही सम्मान का व्यवहार करता है और यह उन सभी चीज़ों को कभी खत्म नहीं होने देता है जो उनमें से प्रत्येक को पहले स्थान पर इतना प्रतिष्ठित बनाती है हालांकि मुझे लगता है कि यह बताना थोड़ा जल्दबाज़ी होगी कि क्या एमसीयू को अब नीचे की ओर जाने से बचाया गया है मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि यह फिल्म अत्यधिक मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है चाहे चीजें किसी भी दिशा में जा रही हों इस समय वह कारण ही सराहनीय है मैं इसे ठोस नौ बटा दस रेटिंग देता हूँ पेश है तीसरी किस्त डेडपूल और वुल्वर ठीक है तो यह अव्यवस्थित है और इसमें कुछ प्रमुख और मुद्दे हैं और कथानक रेखा अस्तित्व में आ जाती है लेकिन कौन परवाह करता है ये देखना आसान है केवल पहले पाँच मिनट के भीतर और ट्रेलरों से भी जाहिर है कि यह एक चीज के लिए बनाया गया था प्रशंसक सेवा और क्या रयान रेनॉल्ड्स अपना एक गेम लेकर आते हैं उन अभिनेताओं की श्रेणी में जिन्होंने हास्य प्रतिभा के साथ स्क्रीन पर धूम मचाई है और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं रेनॉल्ड्स इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में जाने जाएंगे उसके स्मार्ट ए तारांकन का स्तर बाकियों से थोड़ा ऊपर है जैकमैन की वुलवरिन रेनॉल्ड की डेडपुल से एन डिग्री तक सीधी सादी है और ये देखना आसान है कि यह कुछ ऐसा क्यों था जिसे दोनों एक दशक से अधिक समय से करना चाहते थे मैंने इससे पहले भी दो बार कहा है और मैं इसे फिर से कहूंगा रयान रेनॉल्ड्स का जन्म वेड विल्सन डेडपुल की भूमिका निभाने के लिए हुआ था हथियार और हाथ से हाथ की लड़ाई में अपने आश्वस्त कौशल के लिए उन्होंने खुद को जिस भी परिस्थिति में पाया है उनकी त्वरित बुद्धिमान टिप्पणियों से रेनॉल्ड्स के ट्रेडमार्क करिश्मा की नकल करने में सक्षम कोई अन्य अभिनेता नहीं है यहां ये देखना भी दिलचस्प है कि पिछली फिल्म और इस फिल्म के बीच वैद कितना बदल गया है यह स्थापित हो गया है कि वैद एवेंजर्स में से एक बनने के लिए बेताब है स्वाभाविक रूप से यह पता चलने पर वह निराश हो जाता है कि उसे उन लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जिनकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता है इससे उनके आत्मसम्मान पर स्पष्ट रूप से असर पड़ा है और वैद को कहानी के दौरान अपने हस्ताक्षर आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हुए देखना उसे उस योग्य नायक के रूप में विकसित होने में मदद करने का एक अच्छा तरीका है जो वह बनना चाहता है इसी तरह यूजैकमैन को उस भूमिका में वापस लौटते देखना बहुत अच्छा है जिसने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बना दिया जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है ये वुलवरिन अपने सबसे निचले पायदान पर है जो अपने संबंधित ब्रह्मांड में उससे अपेक्षित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है उसे पूरी तरह से एहसास है कि उसने चीजें गड़बड़ कर दी हैं और उसे इस छेद से बाहर निकालने के लिए डेडपुल जैसे दृढ़ संकल्प वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी जैकमैन ने वुलवरिन के अपने सभी पिछले संस्करणों की तरह ही उतनी ही मूर्खता और अपर्याप्तता की भावना बरकरार रखी है केवल इस बार इसका उपयोग डेडपुल में अपने हास्य साथी की भूमिका निभाने के लिए किया गया है हालांकि शुरुआत में वह स्पष्ट रूप से उसे बर्दाश्त नहीं कर सका वुलवरिन को जल्द ही एहसास हुआ कि डेडपुल उसके संभावित मोचन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है और इसलिए पूरी फिल्म में उसकी हरकतों को अनिच्छा से सहन करता है इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत में एक लोकप्रिय बॉयबैंड द्वारा प्रसिद्ध किए गए गाने पर एक प्रभावशाली शॉट फिर भी क्रूर हिंसक एक्शन दृश्य सेट किया गया इस बिंदु पर मुझे पता था कि डैडपुल ऐसे लोगों के साथ अच्छे हाथों में है जो वास्तव में उसके चरित्र को समझते हैं कम से कम कुछ समय के लिए इसी तरह वुल्वरिन की सुर्खियों में वापसी को भी काफ़ी अच्छी तरह से संभाला गया है सबसे पहले मैं इस डर से चरित्र को फिर से देखने के बारे में आशंकित था कि ये दो के लोगान के लिए सही अंत को कम कर देगा लेकिन मेरी राहत के लिए हमें जल्द ही पता चला कि यह एक और मल्टीवर्स से पूरी तरह से अलग भिन्नता है इस संस्करण को उसके ब्रह्मांड में पूरी तरह से विफलता के रूप में देखा जाता है जो अपनी समस्याओं को इस आशा से दूर कर देता है कि वह अंततः शराब विषाखता का शिकार हो जाएगा और मर जाएगा जो कि उसकी आनुवंशिक संरचना को देखते हुए असंभव है इसके बाद वुल्वरिन और डेडपुल एक असहज गठबंधन बनाते हैं हम जल्द ही उनकी हास्यपूर्ण गतिशीलता को सामने आते देखते हैं निश्चित रूप से डैडपुल एक तेज तर्रार समझदारी भरा कॉमिक रिलीफ है जो कथानक को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए विनोदी टिप्पणियां करता है और वुलवरिन एक उलझा हुआ सीधा आदमी है जिसकी कुछ स्थितियों पर प्रतिक्रियाएं उसे अपनी पिछली गलतियों से सीखने की अनुमति देती हैं पूरी कहानी में दोनों पात्रों में से प्रत्येक को समान मात्रा में स्क्रीन टाइम दिया गया है और उन्हें अपने अपने तरीके से बढ़ते हुए देखने से दोनों मोर्चों पर बहुत संतोषजनक निष्कर्ष हाल के वर्षों में एमसीयू ने खुद को एक रचनात्मक लीक में फंसा हुआ पाया है जो फीके से लेकर भयानक सामग्री तक का मंथन कर रहा है जिससे सामान्य दर्शकों और लंबे समय से प्रशंसकों की रुचि खत्म हो रही है हालांकि हाल की दो एवेंजर्स फिल्मों में शीर्ष पर पहुंचना वास्तव में एक कठिन काम है लेकिन तब से यह स्पष्ट हो गया है कि एक बार पसंद की जाने वाली सुपरहीरो फ्रेंचाइजी के सबसे अच्छे दिन अब अच्छी तरह से और वास्तव में अतीत में हैं जब डिज्नी ने 2017 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स का अधिग्रहण किया तो इससे कुछ पहले से अनुपलब्ध मावल नायकों को एमसीयू में शामिल होने की अनुमति मिल गई जिससे प्रशंसकों को उम्मीद बनी रही कि भविष्य में कुछ रोमांचक नए जोड़े जा सकते हैं कुछ लंबी रचनात्मक बातचीत के बाद अब हमारे पास डेडपुल एंड वूलवर इन में फॉक्स के स्वामित्व वाले नायकों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाली पहली एमसीयू फिल्म है जो उनकी ट्रेडमार्क अपील को भूले बिना दोनों चरित्र गतिशीलता का शानदार उपयोग करती है डेडपुल के चरित्र के बारे में व्यवहारिक रूप से हर कोई जानता है और प्यार करता है वह काम पूरा करने के लिए उसका असभ्य अप्राप्य रूप से हिंसक दृष्टिकोण है एक विशेषता जो कई लोग मानते हैं कि अन्यथा पीजी माइनस रेटेड एमसीयू के भीतर कोई जगह नहीं है हालांकि ये जल्द ही हमें दिखाया गया है कि इस बार निश्चित रूप से ऐसा नहीं है क्योंकि हमें तुरंत उसके सभी हस्ताक्षर रक्त गौर शपथ ग्रहण और यौन मासूमियत के साथ व्यवहार किया जाता है जिससे कई लोगों को डर था कि डिज्नी खरीद के बाद अनुपस्थित हो जाएगा जैसे ही हमारा लाल पोशाक वाला एंटी हीरो शुरुआती लोगों के साथ चंचलतापूर्वक गुनगुनाता है फिर वह दर्शकों को सीधे सूचित करके अपने सामान्य अंदाज़ में चौथी दीवार को तोड़ देता है कि उसके पिछले साहसिक कार्य के बाद से बहुत कुछ हुआ है हम देखते हैं कि वह अपने आईपी के नए स्वामित्व में होने सुपरहीरो फिल्मों के बीसवीं सदी के फॉक्स युग की धब्बेदार विरासत और यहां तक कि एमसीयू की गुणवत्ता में मौजूदा गिरावट पर कुछ आत्मसंदर्भित चुटकी लेने का धूर्त संदर्भ देता डेडपूल एंड वुल्वरिन इन दो की डेडपूल और दो की डेडपूल दो दोनों की अगली कड़ी है और मावल सिनेमेटिक यूनिवर्स एमसीयू में चौंतीसवीं फ़िल्म है शॉन लेवी द्वारा निर्देशित नाइट एट द म्यूजियम ट्राई थ्राई बाय द डजन और मुख्य भूमिकाओं में रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन अभिनीत ये किसी भी संदेह को कम कर देता है कि डिज्नी प्रतिष्ठित को बर्बाद कर देगा वह फिल्म जो उनका और उनके पंजे वाले समकक्ष दोनों का एमसीयू में खुली बाहों से स्वागत करती है डेडपुल 2 की घटनाओं के कुछ समय बाद वेड विल्सन डेडपुल रयान रेनॉल्ड्स एवेंजर्स में शामिल होने के लिए अपना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने के बाद अब कार सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं एक रात वैद अपने दोस्तों के साथ एक आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी का आनंद ले रहा था जब अचानक टाइम वेरियंस अथॉरिटी टीवीए उसे मिलने आती है जो उसे अपने उच्च रैंकिंग एजेंट मिस्टर पैराडॉक्स मैथ्यू मैकफेडेंट से मिलने के लिए जबरन अपने मुख्यालय में ले जाती है वहां रहते हुए मिस्टर पैराडॉक्स ने वैद को सूचित किया कि मल्टीवर्स के माध्यम से उसके पिछले पलायन के कारण उसने अनजाने में अपने स्वयं के ब्रह्मांड को सुलझा लिया है जिससे उसे केवल बहत्तर घंटे का समय मिला है जब तक कि हर कोई और वह सब कुछ जो वह प्यार करता है हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाता ऐसा होने से रोकने के लिए मिस्टर पैराडॉक्स ने वेड को अपने मिशन में सहायता के लिए वुल्वरिन यू जैकमैन का एक उपयुक्त संस्करण खोजने के लिए कई ब्रह्मांडों में खोज करने का काम सौंपा अपनी यात्रा के दौरान वेड अंततः वुल्वरिन के एक अपमानित मादक संस्करण पर थोकर खाता है और कुछ प्रारंभिक शत्रुता के बाद पूरे मल्टीवर्स में आगे की क्षति को फैलने से रोकने के लिए दोनों ने जोड़ी बना ली ये फिल्म आपको बहुत अच्छा समय देती है मनोरंजन करती है प्रफुल्लित करने वाला हास्य देती है और रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन के बीच की केमिस्ट्री ऐसी थी जैसा मैंने हमेशा सपना देखा था मेरा मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया वह संपूर्ण था इस जटिल मल्टीवर्स गाथा के साथ आखिरकार एक महान अद्भुत फिल्म बनाने के लिए लेखन टीम को बधाई ये वास्तव में एक कठिन फिल्म थी मुझे लगता है कि एक बड़ी तस्वीर का कथानक इस फिल्म के रोमांच से कम प्रासंगिक है यहां इसे पाने के लिए लोगों को सभी अद्भुत चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है नेसिंदेह इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी मैं कहूंगा कि इस फिल्म में शामिल होने के लिए आपको कम से कम डेडपुल फिल्में देखनी होंगी समग्र आगामी एवेंजर्स सामग्री और कैमियो प्रशंसक सेवा के लिए आपको प्रचारित होने के लिए और अधिक जानना चाहिए लेकिन यदि आपने अन्य चीजें नहीं की हैं तो आप इस फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु नहीं चुकेंगे आखिरकार वहां एक खलनायक है जिसे उन्होंने गड़बड़ नहीं किया भयावह और विशेष मैं उससे और अधिक चाहता हूं आर रेटिंग देवतुल्य है डिज्नी ने डेडपुल को रोका नहीं सभी खूनी और हिंसक कार्रवाई और मौखिक गंदे संवाद के लिए आपको एक शीर्ष डेडपुल स्तर की फिल्म मिलती है इसे ऐसा बनाने के लिए टीम के प्रति मेरा आभार मैं इसे एक सुपर हीरो फिल्म के रूप में दस बटा दस देता हूँ क्योंकि ऊपर दिए गए सभी बिंदु वास्तव में बहुत कुछ बताते हैं कि क्यों कहानी तो साधारण थी लेकिन रेयान रोनल की मजाकिया परफॉर्मेंस और लोगन की गुस्सेल परफॉर्मेंस ने दिल छू लिया फिल्म में कैमियो अद्भुत थे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बचपन की भावनाएं फिर से वापस आ गईं यह एक फ़िल्म का तेज गति वाला रोलर कोस्टर है जिसने शायद एमसीयू को बचा लिया है हर बार ऐसा ही होता है मैं हर सुपरहीरो फिल्म से पहले खुद को कृपया बेकार मत करो प्रार्थना करते हुए पाता हूं इस बार मैं जिस भावना से बचा हूं वह मिश्रित है कॉमेडी चरम पर थी मुझे डेडपूल चरित्र पसंद है जिसमें भावनाएं और मजबूत चरित्र विकास है वुलवर के साथ गतिशीलता उत्कृष्ट थी उत्तम रसायन शास्त्र वुल्वरिन फ़कीर को कोई चोट नहीं आए मैं ये भी कहने का साहस कर सकता हूं कि उसे चोट पहुंचाई गई थी सभी प्रस्तुतियां बहुत बढ़िया थीं अब गंदे व्यवसाय पर मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि सारी लेखन ऊर्जा हरकैमियों को मज़ेदार और अद्भुत तरीके से विकसित करने में लगाई गई थी मैंने हरकेमियों को ठंडे दिन में मीठे गोज की तरह स्वाद दिया पिछली फिल्म के बाद से जब डेडपुल टाइम ट्रैवल हुआ तो चीजें गड़बड़ हो गई कथानक तो बस घटिया चीज़ है बमुश्किल समझ में आने के अलावा ये आए एक सुखद अंत के साथ दुनिया को बचाएं जबकि हम एक छोटे से खलनायक को हराते हैं जिसे कोई भी याद नहीं रखेगा जैसी फिल्म बनकर रह जाती है फिर भी इसने मुझे खूब हंसाया जो हाल ही में किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी जीत है दीपुल एक मेरी पुस्तक में दस था और मैं वह चाहता था मुझे वास्तव में खेद है कि यह वह नहीं था सभी महान कैमियो एक घटिया कथानक की पूर्ति नहीं कर सकेंगे डेडपूल और वुल्वरिन ने वही किया जो वादा किया गया था उस फिल्म के हर सेकंड से लेकर उसके आख़िरी हिस्से तक मुझे बहुत पसंद आया मैं वास्तव में इन वर्षों में डेडपुल हास्य से चुप गया स्क्रीन पर रेनॉल्ड्स और जैकमैन महाकाव्य थे दो पूर्ण शीर्ष स्तरीय अभिनेताओं और सबसे अच्छे दोस्तों का दावत के लिए एक साथ मंच साझा करना इतिहास है मैं निर्देशक के बारे में चिंतित था क्योंकि यह पिछली डेडपुल फिल्म जैसा नहीं था लेकिन यार फिल्म वास्तव में एक नए स्तर की लग रही थी अधिक बजट कैमियो के लिए दावत और पागल कॉमिक सटीक लड़ाई कोरियोग्राफी और प्रामाणिक सूट डिज़ाइन मैं ये कहकर शुरुआत करूंगा कि मुझे ये फिल्म बेहद पसंद आई ये देखने में बहुत पुरानी यादें ताज़ा करने वाला और बहुत मज़ेदार था कई पूर्व एक्स मेन पात्रों के साथ साथ अन्य सुपहीरो पात्रों के कैमियो की पागलपन भरी मात्रा देखने में बहुत सुंदर थी और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ कि मावल और निर्देशकों ने वास्तव में डेडपुल को मावल ब्रह्मांड में पूरी तरह से लाने के लिए अपना समय लिया ऐसा कहने के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे रेनॉल्ड्स और मावल एक रेटेड आर फिल्म बनाने को लेकर इतने उत्साहित थे कि वे भूल गए कि फिल्म बनाने में अपशब्दों और व्यभिचार के अलावा और भी बहुत कुछ है मुझे सब कुछ करने में कोई झिझक नहीं है और मैंने कभी भी किसी फिल्म में अपशब्दों वाले शब्दों की परवाह नहीं की है लेकिन यह निश्चित रूप से महसूस हुआ कि निर्देशक लगभग एक बात साबित करने की कोशिश कर रहा था ऐसा लगा जैसे वे एक बेहतरीन फिल्म बनाने के बजाय आपके चेहरे पर रेटेदार रगड़ने की कोशिश में बहुत व्यस्त थे यह अभी भी अद्भुत निकला और कहानी और अभिनय हमेशा की तरह सोने का था लेकिन इसमें बहुत मेहनत की गई थी ये और भी बेहतर हो सकता था यदि वे रेटेदार को स्वीकार करते और उस पर पूरी तरह भरोसा किए बिना इसका इस्तेमाल करते कुल मिलाकर मुझे फ़िल्म बहुत पसंद आई कभी कभी यह ज़बरदस्ती और जोरदार लगती है एमसीयू में खराब रिलीज के बाद मुझे इस उद्यम से बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी लेकिन क्या मैं गलत था ढेर सारे कैमियो ढेर सारे ईस्टर अंडे मैं गिनती भूल गया कि मैं कितनी बार ज़ोर से हंसा जो चीजें मुझसे छूट गई थी उन्हें कवर करने के लिए इसे कई बार देखने की जरूरत होगी पंद्रह साल के लिए भी बहुत सारे वयस्क यौन संदर्भ लेकिन बहुत मज़ेदार आप इस तरह की फ़िल्म से क्या उम्मीद करेंगे एक्शन और प्रभाव इस बिंदु पर हैं लोगान के रूप में जैकमैन अच्छी फॉर्म में हैं और कुछ दिल को छू लेने वाले पलों ने उन्हें सहजता से निभाया है इसके अलावा एक्शन सीक्वेंस का मज़ा कभी बंद नहीं होता निर्देशक शॉन लेवी ने इनमें से प्रत्येक दृश्य को पिछली दो डेडपूल फिल्मों की तरह ही दृश्य शैली के साथ तैयार किया है जिसमें ग्राफिक हिंसा यौन संदर्भ और कभी कभार इसमें शामिल पात्रों को निभाने वाले वास्तविक दुनिया के अभिनेताओं के मजाकिया संकेत शामिल हैं झड़प परिवार के अनुकूल दर्शकों को खुश करने के लिए कभी भी किसी चीज़ से समझौता नहीं किया जाता है इस फिल्म ने सम्मान के बैच के रूप में अपनी आर रेटिंग को गर्व से धारण किया है सबसे अच्छी बात यह है कि एक भी एक्शन सीन ऐसा नहीं था जो अपनी जगह से हटकर लगे या जहां ये बताना मुश्किल हो कि कौन किससे लड़ रहा है कई बार मैंने पाया कि किसी लड़ाई के दौरान जो कुछ भी हो रहा था उसमें मैं सचमुच निवेशित था क्योंकि परिणाम गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था कि बाकी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी ये कुछ ऐसा है जो हाल की एमसीयू फिल्मों से गायब है जहां अधिकांश एक्शन सीक्वेंस पूरे रास्ते लगभग एक जैसे ही लगते हैं ज्यादा कुछ बताए बिना यह उल्लेख करना उचित है कि इस फिल्म में कई छिपे हुए आश्चर्य और कैमियो हैं जो केवल एमसीयू तक ही सीमित नहीं हैं। एक दृश्य में डेडपुल और वुलवरिन दोनों अन्य नायकों के साथ मिलकर काम करते हैं जो बहुत लंबे समय से अनुपस्थित हैं जो निश्चित रूप से स्पाइडरमैन नोवे होम में पोर्टल के दृश्य के समान लोगों को उत्साहित करेगा कहानी के संदर्भ में इन पात्रों का अच्छी तरह से उपयोग किया गया था और उनमें से कुछ के बारे में मैं लगभग भूल गया था अगर इस फिल्म ने मुझे उनके अस्तित्व की याद नहीं दिलाई होती बेशक मैं ये खुलासा नहीं करने जा रहा हूं कि स्पॉयलर के कारण वे सभी कौन हैं इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुझे ये देखने की उत्सुकता है कि भविष्य में एमसीयू परियोजनाओं में क्या हो सकता है यदि डिज्नी ने कभी उन्हें फिर से उपयोग करने का फैसला किया इस फिल्म के आसपास का प्रचार आसानी से चतुराईपूर्ण मार्केटिंग के कारण बढ़ गया क्यूँकी डेडपुल हरकार बियर और गद्दे के विज्ञापन में शामिल हो गया उम्मीदें बहुत अधिक थी लेकिन ट्रेलरों ने स्पॉयलर को रोककर इस फिल्म को एक आदर्श तूफान में ले जाने में मदद की जहां इसने हमारे सभी दिमागों को एक ही बार में उड़ा दिया विल्सन शैली में ये कहानी एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित है जिसमें एक अमर मानव बच्चा और उसका ट्विटर झगड़ा कट्टर विरोधी एक समय में एक गंदे मज़ाक को बचा रहा है काफ़ी समय हो गया है जब मैं किसी मावल फ़िल्म से वास्तव में संतुष्ट महसूस कर रहा हूं उसने यही कहा था क्रेडिट के अंत में तमाम हंसी और आंसुओं के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एमसीयू को मावल जीसस ने बचाया था ये बिल्कुल उत्कृष्ट है और मैं इसे कभी भी डेडपुल तीन नहीं कहूंगा क्योंकि जितना मुझे पहले दो पसंद थे उतना ही यह एक बड़ी सफलता है जिसे बनाने में लगभग बीस साल लग गए और इसका एहसास भी नहीं हुआ दस बटा दस मनोरंजन दस बटा दस पुरानी यादें दस बटा दस सिनेमा में आपको जोर से हंसाने और परवाना करने के लिए दस बटा दस अपशब्दों के शानदार इस्तेमाल के लिए दस बटा दस एक्शन और खून खराबे के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि आपको मावल से संबंधित सभी फ़िल्में पसंद हैं तो बस जाकर इसे देखें यदि आप ऐसा करते हैं तो यह फिल्म सिर्फ आपके लिए बनाई गई थी एक विस्तृत और कठिन कहानी की तलाश में इसमें न पड़े क्योंकि आपको कोई नहीं मिलेगी न ही आपको इसकी आवश्यकता है मुझे नहीं पता था कि 2024 की एकमात्र एमसीयू फिल्म रिलीज से क्या उम्मीद की जाए लेकिन अब मुझे पता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सचमुच पूरे एक साल की हकदार है 2024 को हमेशा डी एनडब्ल्यू वर्ष के रूप में जाना जाएगा और पूरी ईमानदारी से पिछली सभी मावल फिल्मों को गहरी श्रद्धा इस फिल्म के आसपास का प्रचार आसानी से चतुराईपूर्ण मार्केटिंग के कारण बढ़ गया क्योंकि डेडपुल हरकार बियर और गद्दे के विज्ञापन में शामिल हो गया उम्मीदें बहुत अधिक थीं लेकिन ट्रेलरों ने स्पोयलर को रोककर इस फ़िल्म को एक आदर्श तूफान में ले जाने में मदद की जहां इसने हमारे सभी दिमागों को एक ही बार में उड़ा दिया विल्सन शैली में ये कहानी एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित है जिसमें एक अमर मानव बच्चा और उसका ट्विटर झगड़ा कट्टर विरोधी एक समय में एक गंदे मज़ाक को बचा रहा है काफ़ी समय हो गया है जब मैं किसी मावल फ़िल्म से वास्तव में संतुष्ट महसूस कर रहा हूं उसने यही कहा था क्रेडिट के अंत में तमाम हंसी और आंसुओं के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एमसीयू को मावल जीसस ने बचाया था ये बिल्कुल उत्कृष्ट है और मैं इसे कभी भी डेडपुल तीन नहीं कहूंगा क्योंकि जितना मुझे पहले दो पसंद थे उतना ही यह एक बड़ी सफलता है जिसे बनाने में लगभग बीस साल लग गए और इसका एहसास भी नहीं हुआ दस बटा दस मनोरंजन दस बटा दस पुरानी यादें दस बटा दस सिनेमा में आपको जोर से हंसाने और परवाना करने के लिए दस बटा दस अपशब्दों के शानदार इस्तेमाल के लिए दस बटा दस एक्शन और खून खराबे के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा यदि आपको मावल से संबंधित सभी फिल्में पसंद हैं तो बस जाकर इसे देखें यदि आप ऐसा करते हैं तो यह फिल्म सिर्फ आपके लिए बनाई गई थी एक विस्तृत और कठिन कहानी की तलाश में इसमें न पढ़ें क्योंकि आपको कोई नहीं मिलेगी न ही आपको इसकी आवश्यकता है मुझे नहीं पता था कि 2024 की एकमात्र एमसीयू फिल्म रिलीज से क्या उम्मीद की जाए लेकिन अब मुझे पता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सचमुच पूरे एक साल की हकदार है 2024 को हमेशा डी एनडब्ल्यू वर्ष के रूप में जाना जाएगा और पूरी ईमानदारी से पिछली सभी मावल फिल्मों को गहरी श्रद्धा मावल डिज्नी, केविन फीगे और मैडोना को इस फिल्म की सख्त जरूरत थी यह उन सभी चीजों का प्रमाण है जो पहले आई थी उसने यही कहा था सुपरहीरो फिल्मों की विरासत के प्रति समर्पण जिसने एमसीयू के लिए मार्ग प्रशस्त किया पीटपुर जैसे गिक्स बेवकूफों और रोजमर्रा के आदमी के लिए फिल्माया गया डेडपूल और वुलवरिन हर आर रेटेड चुटकुले एक्शन साहस और महिमा लेकर आता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं लेकिन इसे और आगे ले जाएं ताकि डेडपूल इसे डिज्नी के चेहरे पर रगड़ सके हरतेज तर्रार चुटकुला और एक लाइना एक लयबद्ध स्क्रिप्ट में पूरी तरह से हिट होता है जिसे केवल मर्कविदे माउथ ही लिख सकता था रयान रेनॉल्ड्स और शानदार शॉन लेवी एक गतिशील जोड़ी बनाते हैं जिसे हाल की हिटफ्री गाय और द एडम प्रोजेक्ट के बाद इस उत्कृष्ट कृति तक ले जाना तय था ये फिल्म अपने सभी कॉलबैक सिर हिलाने और अंदरूनी मज़ाक संदर्भों के साथ एक फ़िल्म की उस परिभाषा का उदाहरण देती है जो उस समय का एक टुकड़ा है जब इसे बनाया गया था उन्होंने वही किया जो मावल के सभी प्रशंसक चाहते थे वे एक गीत के गीले सपने को साकार करने के लिए एक साथ आए क्यू जैकमैन को अकेले वापस लाने से ये तीन क्वेल अद्भुत हो जाता है लेकिन वे अद्भुत एक्शन कॉमेडी और आश्चर्यजनक मात्रा में हार्दिक क्षणों के साथ प्रतिष्ठित जोड़ी को अगले स्तर पर ले गए बेशक सहायक कलाकारों में बहुत सारी शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं हैं जिनकी पहचान एक्स मेन ओरिजिन के डेडपुल के सिल बंद मुंह के नीचे रखी जाएगी हालांकि जो खुलासा किया जा सकता है वह यह है कि डेडपुल तीन फॉक्स एक्स मेन ब्रह्मांड की विरासत का सम्मान करने की कितनी परवाह करता है इसके पात्र और फिल्में चाहे वे कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों न हो सुपर हीरो योग की शुरुआत की और श्रेय के पात्र कुल मिलाकर यह उस तरह की फिल्म है जो इतनी बुरी और अच्छी है बेवकूफी भरा मजाक पेश करती है जो आपको हंसाती रहती है भले ही आप निश्चिंत न हो कि ऐसा क्यों है मजबूत छः बटा दस हल्का सात बटा दस मैं किसी फिल्म के इस कठिन बर्गर के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता अधिकांश एमसीयू बकवास से विशेष रूप से बदतर नहीं लेकिन निश्चित रूप से शीर्ष स्तर पर नहीं और मेरा मतलब है अरे अगर मैं ईमानदार रहूं तो एक शीर्ष स्तरीय एमसीयू फिल्म वैसे भी लगभग सात रैंक पर होती है डेडपूल और वूलवरिन एक ऐसी फिल्म है जिसमें लगभग पूरी तरह से प्रशंसक सेवा शामिल है यदि आप कॉमिक्स और फिल्मों का इतने धार्मिक रूप से अनुसरण करते हैं कि आप मुद्दों और पृष्ठों या सीजन और एपिसोड को बाइबल छंदों की तरह उद्धृत कर सकते हैं तो संभवतः ये छोटी सी चीज आपके ज्ञान को अंतहीन रूप से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है शायद यह उस प्रकाश में काम करता है मुझे नहीं पता मैं जो जानता हूं वह यह है कि सामान्य कहानी कहने के पैमाने से इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है यहां हर कथानक विकास इतना मनमाना है कि समग्र कहानी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसमें कोई दाव नहीं है और चरित्र विकास जैसा कुछ भी नहीं है यदि कोई मर जाता है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि डिजनी एमसीयू समूह उन्हें वापस लाने के लिए एक मनमाना बहाना ढूंढ लेगा बस शून्य कथानक शून्य कहानी शून्य चरित्र विकास स्क्रीन पर होने वाली किसी भी चीज की परवाह करने का कोई कारण नहीं है लेकिन है वहां बहुत सारे चुटकुले हैं समग्र प्रभाव एक तीस वर्षीय वयस्क को दो घंटे तक अपने सुपहीरो एक्शन फिगर को एक साथ तोड़ते हुए देखने जैसा है जबकि इसके बारे में आर रेटेड चुटकुले बनाते हैं कभी कभी मजेदार लेकिन पूरी तरह से भूलने योग्य और अगर कहानी के बारे में याद रखने लायक कुछ भी हो तो मुझे बहुत शर्म आएगी अंततः यह उस तरह की फिल्म है जो फिलहाल तो मजेदार है लेकिन सोचने पर निराशाजनक रूप से खोखली है मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता क्योंकि इस गर्मी में किसी मूवी थिएटर में दो घंटे बिताने के कई बेहतर तरीके हैं लेकिन यदि आपको देखना ही पड़े तो इसे देखें यदि आप इस तरह की चीज़ों के लिए पागल हैं तो आपको इससे मेरी तुलना में बहुत अधिक सिफारिश यदि आप डेडपूल या वुलवरिन के प्रशंसक हैं या बेदबी की स्वस्थ खुराक के साथ एक्शन कॉमेडी का आनंद लेते हैं तो यह फिल्म निश्चित रूप से देखने लायक है हालांकि अधिक सुव्यवस्थित कथा चाहने वाले दर्शकों को थोड़ी निराशा हो सकती है डेडपुल और वुल्वरिन एक उदासीन गीत के साथ शुरू होता है जो तुरंत एक चंचल स्वर सेट करता है और वहां से ये क्लासिक डेडपुल है मजाकिया अपरिवर्तनीय और अक्सर प्रफुल्लित करने वाला वुलवरिंग गतिशीलता में सहजता से फिट बैठता है अपने भीषण आकर्षण के साथ डेडपुल के निरंतर हास्य को संतुलित करता है हालांकि जब तक फिल्म दूसरे और तीसरे अंक तक पहुंचती है अत्यधिक गाली गलौज का असर कम होने लगता है जबकि हास्य मजबूत रहता है कुछ चुटकुले दूसरों की तुलना में बेहतर होते हैं जिससे कुछ हिटिया मिश्र क्षण आते हैं सिनेमेटोग्राफी उत्कृष्ट है जिसमें आश्चर्यजनक रंग ग्रेडिंग और क्लोज अप और मध्यम शॉट्स का मिश्रण है जो देखने में आकर्षक हैं संपादन भी प्रशंसा का पात्र है क्योंकि यह फिल्म के हास्य और समग्र प्रवाह को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है पोशाक और प्रोडक्शन डिजाइन दोनों ही शीर्ष स्तर के हैं स्थानों का चयन खूबसूरती से किया गया है वीएफएक्स हालांकि रंगीन और आंखों को भाता है अक्सर कृत्रिम लगता है जो समग्र अनुभव से अलग हो जाता है पॉप संस्कृति संदर्भों की प्रचुरता मनोरंजन करते हुए कभी कभी मुख्य कहानी से ध्यान हटा देती है जिससे फिल्म अत्यधिक भरी हुई और थोड़ी अव्यवस्थित लगती है वह कथानक जो बहुत अधिक उछलकूद करता है जिससे पूरी तरह से जुड़े रहना मुश्किल हो जाता है इसके अलावा कहानी बहुत ज्यादा खींची हुई लगती है खासकर दूसरे और तीसरे भाग में जहां कहानी अपनी राह से भटकने लगती है दुर्भाग्य से खलनायक फिल्म में कुछ खास नहीं जोड़ते वे कार्टून नुमा हैं और उनमें गहराई की कमी है जो कहानी के महत्व को कमजोर शुरुआती दृश्य फिल्म के लिए माहौल तैयार करता है जिसमें एक प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है जो हास्य और तीव्रता का सहज मिश्रण है ये लहजा पूरी फ़िल्म में बरकरार रखा गया है जिसमें भरपूर हंसी मज़ाक वाले क्षण हैं जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगे हालांकि इनमें से कुछ क्षण खींचे हुए या रेनॉल्ड्स की त्वरित बुद्धि पर अत्यधिक निर्भर लगते हैं जो कभी कभी थका देने वाले हो सकते हैं फ़िल्म के साथ प्राथमिक मुद्दों में से एक इसकी स्क्रिप्टिंग है जबकि संवाद अक्सर प्रफुल्लित करने वाला होता है रयान रेनॉल्ड्स की कुछ पंक्तियां बहुत भारी लगती हैं और बेहतर प्रवाह के लिए उन्हें छोटा किया जा सकता था या संपादित किया जा सकता था ये फिल्म के दूसरे भाग में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जहां प्रस्तुति की अधिकता और घुमावदार उपकथाओं के कारण गति धीमी होने लगती है इन खामियों के बावजूद फिल्म की ताकत हास्य और हृदय को संतुलित करने की क्षमता में निहित है डेडपूल और वुल्वरिन के बीच की गतिशीलता वास्तव में आकर्षक है और उनका मजाक फिल्म के कुछ मुख्य आकर्षण हैं एक्शन सीक्वेंस भी अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए हैं और देखने में आश्चर्यजनक हैं जो एक अद्भुत देखने का अनुभव प्रदान करते हैं निष्कर्ष के तौर पर जबकि डैडपुल एंड वुलवरिन भरपूर हंसी और, और रोमांचक क्षणों के साथ एक आनंददायक फिल्म है लेकिन कुछ स्क्रिप्टिंग और गति संबंधी मुद्दों के कारण ये वास्तव में एक असाधारण फिल्म नहीं बन पाती है कुछ सख्त संपादन और अधिक संक्षिप्त संवाद के साथ ये फिल्म अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकती थी बहरहाल दोनों पात्रों के प्रशंसकों को बहुत सारा प्यार मिलेगा और जैकमैन और रेनॉल्ड्स के बीच की केमिस्ट्री एक आकर्षक घड़ी बनाती है यदि आप एक मनोरंजक फिल्म चाहते हैं तो यह आपके लिए है यदि आप दिलचस्प कथानक और चरित्र विकास वाली फिल्म चाहते हैं तो क्षमा करें यह आपके लिए नहीं है यदि आप लोग पहले से ही डेडपुल वन और डेडपुल टू को पसंद करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे भी पसंद करेंगे मान लीजिए कि वे एक्शन दृश्यों को तीन से गुना कर देते हैं यदि आप एक पेशेवर फिल्म समीक्षक बनना चाहते हैं और सभी भारी और तकनीकी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है लेकिन अगर आप आनंद लेना चाहते हैं और अच्छा समय बिताना चाहते हैं यह उस तरह की फिल्म है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए ओह मैं अच्छे चौंकाने वाले कैमियो और हर चीज के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता सब कुछ बिल्कुल मजेदार है और आप इस फिल्म को बार बार देखने के लिए उत्सुक होंगे ठीक है आप अभी भी क्या ढूंढ रहे हैं अपने और अपने पूरे परिवार के लिए टिकट खरीदें और आनंद लें डेडपूल और वुलवरिन की बहुप्रतीक्षित जोड़ी आखिरकार स्क्रीन पर आ गई है और हालांकि यह प्रचुर मात्रा में हंसी और एक्शन पेश करती है लेकिन कुछ पेसिंग और स्क्रिप्टिंग मुद्दों के कारण यह वास्तव में एक असाधारण फिल्म बनने से चूक जाती है इस फिल्म के असाधारण पहलुओं में से एक वुलवरिन के रूप में ह्यू जैकमैन की वापसी है जो आसानी से प्रतिष्ठित भूमिका में वापस आ जाता है उनकी उपस्थिति फिल्म में स्वागत योग्य है और रयान रेनॉल्ड्स के डेडपूल के साथ उनकी केमिस्ट्री निर्विवाद है रेनॉल्ड्स भी एक माउथ विद मर्क के रूप में चमकते हैं अपनी विशिष्ट बुद्धि और भूमिका में अनादर लाते हैं क्या आप मानते हैं कि फिल्मों को अपने पात्रों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और आपको महसूस कराना चाहिए ये फिल्म बस यही करती है यह मेरे द्वारा अब तक देखी गई सबसे महान फिल्मों में से एक है यह न केवल अपने आप में बल्कि फॉक्स की संपूर्ण अद्भुत संपत्तियों के लिए एक संपूर्ण विदाई और विदाई संदेश के रूप में काम करता है कॉमेडी कुछ ऐसी चीज है जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है डेडपूल और वुलवरिन की यात्रा देखने लायक है परिचय हथौड़े की तरह निकलता है और यकीन मानिए जब मैं कहता हूं कि यह फिल्म शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है मुझे इसका हर सेकंड पसंद आया मेरी एकमात्र आलोचना यह हो सकती है कि लड़ाई की कोरियोग्राफी को समझना थोड़ा कठिन था जब इसमें बड़ी संख्या में पात्र शामिल थे लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो सभी को पसंद आएगा एक बेजान फिल्म के बजाय जो दर्शकों को पसंद आने वाले किरदारों को छोटा कर देती है इस फिल्म में आत्मा है और अपने किरदारों को ऊपर उठाती है ये सिनेमा इतिहास बन रहा है जाओ इसे एक घड़ी दे दो यदि आप मावल के पूर्ण प्रशंसक हैं तो यह निश्चित रूप से मावल जीसस के लिए एक फिल्म है हालांकि यदि आप मावल फ्रेंचाइजी या कॉमिक्स से परिचित नहीं हैं तो ऐसे कई संदर्भ होंगे जो भ्रमित करने वाले हो सकते हैं पहली डेडपुल फिल्म एक बड़ी हिट के रूप में आई जिसमें चरित्र का परिचय दिया गया और मावल के लिए एक नई तरह की फिल्म थी चौथी दीवार को तोड़ते हुए एक बेहतरीन कहानी के साथ इसने मेरी रुचि बढ़ा दी हालांकि इस फिल्म में उस कहानी का अभाव है लेकिन बस एक बहुत ही सरल कहानी है और उनमें से अधिकांश शुरुआत में वास्तव में ज्यादा मायने नहीं रखती हैं यदि वे केवल उन सभी को डेडपूल के अलावा अन्य सामग्री से भरना चाहते हैं तो बहुत अधिक संदर्भ देने से ट्रैक रखना कठिन हो जाता है हालांकि यह मेरे पसंदीदा में से एक है क्योंकि इसमें मेरे सभी पसंदीदा पात्रों और अन्य मावल श्रृंखलाओं और कॉमिक्स के संदर्भों को शामिल किया गया है जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक क्रिसमस ट्री सजा रहा हूं फिल्म बहुत लंबी भी लगती है शुरुआती सीन के बाद फिल्म शुरुआत में थोड़ा अपने पैर खींचती है इसके अलावा तीसरा कार्य बहुत लंबे समय तक चलता है क्या ये सर्वश्रेष्ठ डेडपुल फिल्म है नहीं क्या ये सबसे मज़ेदार है हाँ क्या ये हाल के दिनों में मावल द्वारा पेश किया गया सर्वश्रेष्ठ है हाँ ये तो हैरत की बात है ओह हाँ मैंने इसे बनाया है आखिरकार इसे सिनेमाघरों में देखा और मैंने मजेदार समय बिताया अब तक की सबसे विचित्र आर रेटेड दृश्य और साहित्यिक दोनों दृष्टिकोण से कॉमिक बुक फिल्म ये सच है कि निष्पादन स्व संदर्भित चुटकुलों और कैमियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है और यहाँ कोई मजबूत कथा नहीं है लेकिन यह मनोरंजक मनोरंजक और मेटा हास्य से भरा था मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो आत्म जागरूक स्क्रिप्ट की सराहना करता है ये किसी उपहार से कम नहीं था डेडपूल और वुलवेलिन का कॉम्बो अलग तरह से हिट होता है और यह जोर से थप्पड़ मारता है ऐसा कहने के बाद मैं चाहता हूं कि एक मजबूत खलनायक उनके खिलाफ खड़ा हो के रूप में एम्मा मा कॉरिन के खिलाफ कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने पाया कि वह एक प्रतिपक्षी के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी जिस तरह से उसकी क्षमता को बर्बाद किया गया या यूं कहें कि समग्र रूप से उसके चरित्र को बर्बाद किया गया उससे मुझे नफरत है उसकी ओर से लेखन बेहतर होना चाहिए था जो कोई भी इस फिल्म के बारे में सोच रहा है उसे सिनेमाघरों में देखने से बिल्कुल न चुके ये बहुत मजेदार है और आपके द्वारा खर्च किया गया प्रत्येक पैसा इसके लायक है यह कहना निश्चित रूप से उचित है कि यह डेडपुल फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ है और अब तक बनी शीर्ष दस एमसीयू फिल्मों में इसे आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है यह मज़ेदार है एक्शन से भरपूर है मनोरंजन भी है और यह डेडपुल और वूलवरिन के प्रशंसकों और आपसी लोगों के लिए एक फेस्ट है यदि आप कैमियो के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें कुछ कैमियो हैं जिनकी आप उम्मीद करेंगे कि वे फ़िल्म में होंगे यदि आप स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें उतना ही है जितना एक सुपरहीरो फिल्म के लिए आवश्यक है खासकर वजो आप डेडपुल मूवी से उम्मीद करते हैं आशा है आपका समय अच्छा बीते यू जैकमैन की अंतिम सुबह देखकर कॉमिक सटीक वुल इन पोशाक निश्चित रूप से अद्भुत थी जैकमैन को अंततः प्रतिष्ठित मुखौटा पहने देखकर मुझे थिएटर में लगभग खोना पड़ा कुछ पात्रों के कुछ कैमियों और प्रस्तुतियां भी हैं जिन्हें मैंने देखने की उम्मीद नहीं की थी और प्रत्येक ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी मुझे खुशी है कि मैंने केवल टीजर देखा कोई भी ट्रेलर नहीं देखा कई लोगों को ये प्रशंसक सेवा दृश्य बनावटी लग सकते हैं हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो 2000 के दशक में एमसीयू से पहले सुपरहीरो फिल्में देखकर बड़ा हुआ ये फिल्म और नो वे होम मेरे लिए एक लंबे समय के प्रशंसक के रूप में एक प्रेम पत्र की तरह महसूस हुई फिल्म बहुत अच्छी लग रही है और संगीत भी अद्भुत है इस फिल्म का साउंड ट्रैक आसानी से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कि किसी भी फिल्म को टक्कर दे सकता है अंदर जाकर मुझे डर था क्योंकि फॉक्स अब डिज्नी के अधीन है कि हिंसा और अपवित्रता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी शुक्र है आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ये निश्चित रूप से पिछली डेडपुल फिल्मों की तरह एक कठिनार है कार्रवाई ऑन प्वाइंट है तीन एक्शन सेट टुकड़े हैं जो मुझे देखने में बहुत बढ़िया लगे हालांकि मुझे ये फिल्म पसंद नहीं आई इन्हीं कारणों से मुझे डेडपुल की कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई चुटकुले हिट या मिस हो सकते हैं खासकर जब मेटा ह्यूमर की बात आती है यह मेरी व्यक्तिगत पसंद है लेकिन मैं मेटा ह्यूमा का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं हूं थोड़ा सा छिड़कना ठीक है लेकिन बहुत अधिक मात्रा मेरे लिए आसानी से विसर्जन को नष्ट कर सकती है अन्य डेडपुल फिल्में इसके साथ अच्छी लाइन पर चलीं ये डेडपुल दो की तरह इसे थोड़ा ज्यादा आगे ले गया इस फिल्म की पूरी कहानी एक तरह के मेटा जोक के इर्द गिर्द घूमती है परिणामस्वरूप मुझे वास्तव में कहानी में या जो कुछ दांव पर लगा था उसमें निवेश नहीं किया गया था फिर जो चीज इस फिल्म को बचाती है वह है रेनॉल्ड्स और जैकमैन के बीच की बातचीत कथानक इसका सबसे कमजोर पक्ष है डेडपुल और वुलवरिन लंबे समय से प्रतीक्षित तीसरी डेडपुल फिल्म है और कई प्रशंसकों का ड्रीम क्रॉसओवर इंतजार कर रहा है यह पिछले कुछ समय में सबसे अधिक प्रचारित सुपरहीरो फिल्म रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सुपरहीरो की थकान दूर हो गई है क्या फिल्म प्रचार के लायक है फिर अधिकांश भाग हां यदि आप केवल डेडपुल और वुलवरिन की टीम को एक साथ मिलकर कहर बरपाते हुए देखना चाहते हैं तो आप निराश नहीं होंगे मैं स्वयं डेडपुल का एक आकस्मिक प्रशंसक हूं मुझे किरदार पसंद आया लेकिन मुझे लगता है कि उसे जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है हालांकि मैं वुलवरिन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और इस भूमिका में यू जैकमैन को हमेशा पसंद किया हूं मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि पहली डेडपुल फिल्म ठीक थी लेकिन मैं दूसरी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था और गुणवत्ता के मामले में एक्स मेन फिल्में सर्वव्यापी हैं इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में मैंने एमसीयू और सामान्य तौर पर सुपरहीरो फिल्मों में अपना अधिकांश निवेश खो दिया है इसलिए मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था वस्तुनिष्ठ रूप से मैं कहूंगा कि यह मेरे लिए पहली डेडपुल फिल्म के समान स्तर पर है हालांकि मुझे इस फिल्म का अधिक आनंद आया मुख्यतः वुलवरिन को शामिल करने के कारण डेडपुल और वुल्वरिन की एक साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और उनका मजाक ही फिल्म को बनाता है जब फिल्म उन दोनों में से किसी एक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करती है तो फिल्म ठीक है लेकिन साथ में वे बहुत मजेदार हैं यहाँ कुछ बढ़िया एक्शन और भीड़ को आनंदित करने वाले बहुत सारे क्षण हैं लेकिन लोग हंसी मजाक के लिए इसे देखने जाएंगे और उनमें से बहुत सारे हैं ऐसे बहुत से चुटकुले हैं जो काम नहीं करते हैं और बहुत कुछ ऐसे हैं जिनका मावल के बारे में सब कुछ जानने के बिना कोई मतलब नहीं होगा लेकिन यह एक मनोरंजक फिल्म है जो विचित्र रूप से हमें बीसवीं सदी के लोमड़ियों के प्रयासों की याद दिलाती है डिज्नी को एक कोने में लिख दें क्योंकि वे चाहते हैं कि अब आप उनसे आगे बढ़ें डिज्नी साझेदारी के बाद से एमसीयू की लोकप्रियता में भारी गिरावट आ रही है अधिक विविध कास्टिंग प्रशंसकों के कुछ वर्गों को नाराज़ कर रही है और कनेक्टेड टीवी श्रृंखला और फिल्मों की एक लहर सुपहीरो थकान पैदा कर रही है डेडपुल और वुलवरिन की वापसी और वास्तविक जीवन के दोस्तों रेयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन के प्रफुल्लित करने वाले विपणन अभियान को मावल के उद्धारकर्ता के रूप में देखा गया था जो कोई भी चिंतित है कि एमसीयू का डेडपुल कम हो जाएगा वह निश्चिंत हो सकता है हिंसा अविश्वसनीय शुरुआती क्रेडिट दृश्य से शुरू होती है और फिल्म का मुख्य आकर्षण डेडपुल वुल्वर और सैकड़ों डेडपुल वेरिएंट के बीच एक शानदार लड़ाई है वहां बहुत सारा खून आँते और शरीर के कटे हुए हिस्से हैं हालांकि डेडपूल और वुल्वरिन में अधिकांश एमसीयू की तरह ही होमवर्किफिकेशन समस्या है यदि आप टीवी एक लोकी श्रृंखला में देखा गया से परिचित नहीं है तो कथानक का कोई खास मतलब नहीं होगा इसलिए यदि आप फिल्म की पूरी सराहना करना चाहते हैं तो अपना होमवर्क करें एक डेडपूल फिल्म होने के नाते इसमें कुछ पूर्व एमसीयू नायकों के बहुत सारे मिटाहास्य और आश्चर्यजनक कैमियो हैं जिसमें एक लोकप्रिय एमसीयू स्टार की विशेषता वाला शानदार क्रेडिट दृश्य भी शामिल है एंड गेम के बाद से एमसीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा ब्ला 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 पिछले पांच वर्षों में हमने ऐसा कितनी बार सुना और क्या कहा है मैं गिनती खो चुका हूं अरे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपना पूरा अस्तित्व इस पर आधारित किया है सच कहूं तो ढोल की थाप थोड़ी थकाव हो गई है भले ही यह पूरी तरह सच हो इसलिए मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आखिरकार मावल को विजेता मिल गया है लेकिन क्या यह एक संयोग है एक नश्वर घाव पर पट्टी बांधना शायद शायद आप देखते हैं कि डेडपूल और वोल्वर बड़े पैमाने पर सभी एमसीयू सम्मेलनों को अपने सामूहिक प्रमुखों में बदलकर सफल होता है रयान रेनॉल्ड्स और उनकी टीम को ऐसा करने देने के साहस और दूरदर्शिता के लिए डिज्नी को बधाई लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि यह नया टेम्पलेट होगा लेकिन वह सभी अनुमान प्रतीक्षा कर सकते हैं यहाँ और अभी डेडपूल एंड वुल्वरिन है जो एक मजेदार और निरंतर मजाकिया लेकिन अत्यधिक ताजा अभी तक किसी तरह अभी भी काल्पनिक स्टेरॉइड युक्त प्रशंसक सेवा है क्या ये क्लासिक है नहीं कुछ ऐसा जिसे मैं दोबारा कभी देखने की कल्पना कर सकता हूं शायद नहीं लेकिन यह बिल्कुल उस तरह की चीज है जिसकी एक समय के शक्तिशाली मावल जगरनॉट नहीं वह जगरनॉट को जरूरत नहीं थी एमसीयू के खत्म होने के साथ क्या डेडपुल उनके पास मौजूद सबसे लोकप्रिय चरित्र और ह्यू जैकमैन के क्लासिक वुल्वर के वापस आने और इसे बचाने का समय आ गया है वे लगभग ऐसा ही करते हैं लेकिन फिल्म उतनी परफेक्ट नहीं है कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जो कॉमेडी के भूखे दर्शकों को खूब हंसाती है लेकिन यह नवीनतम मावल सामग्री के साथ भी आती है जहां आपको बीस अन्य फिल्में देखने की जरूरत है यह भी जाने की क्या हो रहा है ये खूनी और गंदा है जो अभी भी एक बोनस है चूंकि यह इसे अन्य सभी मजबूर चीजों से अलग खड़ा करता है लेकिन रियान रेनॉल्ड्स की कुछ समझदारी पुरानी हो रही है और यह वास्तव में यू जैकमैन का शो है चूंकि वह फिल्म में बहुत अच्छे हैं स्पाइडरमैन वे होम के अपवाद के साथ एंड गेम के बाद एमसीयू फूला हुआ और फोकस से बाहर हो गया है और डेडपुल की चौथी दीवार टूटने से इसमें कोई कमी नहीं आई है कुछ केविन फीगे और मेटा चुटकुले भी हिट हुए हैं यदि आपने कभी मेरी समीक्षा पढ़ी है तो मुझे लगता है कि हास्य के लिए एक समय और स्थान है और निश्चित रूप से डेडपुल जैसे चरित्र के लिए बहुत सारी कॉमेडी काम करती है निर्देशक शॉन लेवी इस कर्तव्य दिखाने के लिए कुछ प्रशंसा के पात्र हैं साथ ही लेखक रेडरीज पॉल वर्निक और जेब वेल्स भी प्रशंसा के पात्र हैं उस चीज के लिए भी बधाई जो आप स्क्रीन पर नहीं देखेंगे लेकिन मुझे लगा कि फिल्म में सामान्य फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए सुलभ होने के साथ साथ स्रोत सामग्री और फिल्मों के कट्टर प्रशंसकों को संतुष्ट करने के बीच संतुलन है डेडपुल और वुलवरिन एक बेहद मजेदार सवारी है मुझे लगता है कि यह आसानी से तीन डेडपुल फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ है इसका मतलब यह नहीं है कि एमसीयू अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह से ठीक हो गया है लेकिन यह निश्चित रूप से इसे थोड़ा पटरी पर लाता है अधिकांश एमसीयू फिल्मों में समान समस्याओं का सामना करने के बावजूद इस फिल्म की रील रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन के माध्यम से बनाई गई है और फिल्म अन्य पात्रों को सार्थक तरीके से कैसे उपयोग करती है मुझे ये देखने की उत्सुकता होगी कि जब नवीनता खत्म हो जाएगी तो इसे किस तरह से स्वीकार किया जाएगा लेकिन फ़िलहाल इसने स्पाइडरमैन नो वे होम के समान प्रचार और भावनाओं के स्तर को दोहराया है और मैं इसे उच्चतर में रखूंगा एमसीयू और फॉक्स के भीतर समूह का स्तर डेडपूल और वूलवरिन समान रूप से दो पात्रों की कहानी है और दो फिल्मों की कहानी भी है जिनमें से एक फॉक्स के मावल के सर्वश्रेष्ठ का जश्न मनाता है और फॉक्स लिगेसी पात्रों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करता है एक तरह से जो खाली कैमियों से परे है दूसरी एक साधारण कहानी है जिसे कभी कभी एक साथ लाने में कठिनाई होती है लेकिन ये फिल्म के लिए काफी अच्छी है क्योंकि इसे रयान और ह्यू के प्रदर्शन द्वारा आगे बढ़ाया गया है इस समय रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन अपनी नींद में ऐसा कर सकते हैं इन भूमिकाओं को निभाने के लिए जन्मे हैं और अंततः एक दिन वे इसे हमेशा के लिए लटका देंगे यू के लिए दूसरी सेवानिवृत्ति क्योंकि वह हेमजे खींच रहे हैं इसलिए हमें बस इस बात की सराहना करने की जरूरत है कि हमारे पास अभी क्या है हम भी अब ऐसे युग में हैं जहां प्रतिभाशाली दृश्य विकास कलाकार और पोशाक डिजाइनर सुपहीरो सूट की रंगीन और आकर्षक प्रकृति को अपना सकते हैं इसलिए अंततः यू को पीले और नीले रंग में देखना एक सुखद अनुभूति देता है एम्मा कोरिन ने फिल्म की प्रतिपक्षी कैसेंड्रा नोवा की भूमिका निभाई है और वे बहुत अच्छे हैं वे दृश्यों को चबाते हैं लेकिन पारंपरिक एमसीयू फैशन की तरह ही यह एक खलनायक है जो अविकसित है कई अन्य लोगों की तरह सबसे खराब नहीं लेकिन उन्हें अंत में सफलता नहीं मिली मैथ्यू मैकफेडेन ने मिस्टर पैराडॉक्स नाम के एक टीवी एजेंट की भूमिका निभाई है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं मैंने सक्सेसन नहीं देखी है लेकिन मुझे बताया गया है कि यह शो में उनके चरित्र के समान है लेस्ली उपगम्स और रॉब डेलानी को भी ब्लाइंडल और पीटर के रूप में सराहा जाता है जैसा कि किसी को उम्मीद करनी चाहिए ढेर सारी अपवित्रता और कार्रवाई जो बहुत मजेदार और अत्यधिक हिंसक है एमसीयू की वर्तमान स्थिति की कीमत पर डेडपूल को बहुत मज़ा आता है वाह कहां से शुरू करें मैं इस समीक्षा को खराब नहीं करूंगा क्योंकि कैमियो पात्रों को मेरे जैसे प्रशंसक के लिए भी बहुत अच्छी तरह से रखा गया था जो अफवाहें और स्कूप ढूंढता है इंड गेम स्पाइडरमैन नो वे होम और अन्य की तुलना में अटकलें और अफवाहें कुछ अधिक स्पष्ट थीं अधिकांश भाग के लिए मावल स्टूडियोज ने एक अच्छा हिस्सा छुपाने का बहुत अच्छा काम किया मैं ये कहकर शुरुआत करना चाहता हूँ हम में से ज्यादातर लोग एक्स मेन और वुलवरिन फिल्म को नहीं गिनते हैं और इस वजह से मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन रयान ह्यू को मना लेगा और ह्यू को अंततः बदलाव करना होगा दिल से और इसके लिए वापस लौटें क्योंकि इन दोनों के बिना एक उचित डेडपूल और वुलवरिन फिल्म पूरी तरह से गंवा दिया गया अवसर होता एक तरफ ध्यान दें यही कारण है कि मैंने डेडपूल और वुलवरिन का हॉट टॉय कभी नहीं खरीदा इस संभावना पर कि ऐसा होगा यदि आप जानते हैं कि हॉट टॉयज एक बटा छह स्केल के आंकड़े क्या हैं तो आपको बधाई तो हम यहां हैं और मैं आपको अभी बता सकता हूं कि यह वह फिल्म है जिसके बारे में कई लोगों ने सोचा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अपेक्षित थी कुछ कैमियो जो विपणन में सामने नहीं आए थे लेकिन अटकलें लगाई गई थी कि रयान अपने कुछ अभिनेता मित्रों के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ था लेकिन ऐसे कैमियो और पात्र हैं जिनकी वास्तविक सार्थक भूमिकाएं हैं आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि डेडपूल और वूलवरिन के ये विशेष पात्र इस तरह की फ़िल्म में होंगे और उक्त अभिनेता द्वारा निभाए जाएंगे यदि आप कॉमिक बुक सुपर हीरो शैली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं तो आप आश्चर्यचकित लेकिन जितना मैं एक अद्भुत आदमी नहीं हूं मैं इस अर्थ में एक मेटा लड़का हूं कि मुझे आत्म जागरूक चौथी दीवार तोड़ने वाली कहानी और सीमा को धक्का देने वाली चीज़ें पसंद हैं लास्ट एक्शन हीरो से लेकर स्क्रीन तक वे इनकी दुनिया से लेकर रोजर रैबिद तक रयान रेनॉल्ड्स इस भूमिका में बहुत मजेदार हैं स्पष्ट रूप से उनके लिए यह एक जुनूनी प्रोजेक्ट है यह मास्क के उनके संस्करण की तरह है जहां उन्हें अपनी स्वाभाविक रूप से उत्साही खुशी से अपवित्र उपस्थिति के साथ दीवारों के माध्यम से दौड़ने और यू जैकमैन के बारा मासी से बाहर निकलने का मौका मिलता है वुलवरिन को गुस्सा आ गया भले ही मल्टीवर्स मेला की पहली दो फिल्मों की तुलना में कहानी को लगभग स्पष्ट बना देती है यह सिर्फ एक सवारी है जिसे आप लेते हैं और अपने सभी गंदे पागल कुत्ते की महिमा में आत्मसमर्पण करते हैं और कैमियो ठीक है कुछ लोगों का यह मल्टीवर्स एंगल और सभी पुरानी यादों का भ्रमपूर्ण भोग फिल्म में सुसंगतता और संयम को बर्बाद कर देगा लेकिन मैं झूठ बोलूंगा अगर कुछ विशिष्ट पात्र जो हम प्री एम मावल फिल्मों से यहां देखते हैं उन्होंने मुझे पूरी तरह से गर्म महसूस नहीं कराया और फजी और सुपरहीरो शैली में उन बहुत सरल समयों के लिए कुछ हद तक लंबा डेडपूल और वुल्वरिन एक रोलर कोस्टर सवारी है जो आपको बेदम कर देगी और एक बेवकूफ़ की तरह मुस्कुराने लगेगी ये शुरू से अंत तक शुद्ध पुरानी यादें हैं जिसमें कैम्यो एक मावल प्रशंसक के सबसे सपने की तरह बाएं और दाएं दिखाई देता है सच में यह अब तक की सबसे खूनी सबसे मजेदार मावल फिल्म है और मुझे जितनी जल्दी हो सके इस पागलपन की और अधिक आवश्यकता है रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन की जोड़ी व्यंग्यात्मक उत्परिवर्ती स्वर्ग में बनाई गई है और उनका ऑन उन स्क्रीन रोमांस ही सब कुछ है डेडपूल और वुलवरिन आज रिलीज हो रहे हैं और आप इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते इन लोगों ने खाना बनाया ये फिल्म मावल के दो सबसे प्रिय विरोधी नायकों को एक साथ लाती है जो प्रशंसकों को बेतु के हास्े और गंभीर एक्शन से भरी एक जंगली सवारी की पेशकश करती है रयान रेनॉल्ड्स एक ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं जो प्रफुल्लित करने वाला अतिशीर्ष और गहराई से सूक्ष्म दोनों है युवा प्रत्याशित रूप से वापसी कर रहा है और वह एकमात्र पात्र नहीं है जो यहाँ वापसी कर रहा है एक्समेन एमसीयू और फॉक्स वर्ल्ड से बहुत सारे कैमियो हैं उन सभी को एक साथ देखना एक शुद्ध आनंद है वुलवरिन और डेडपुल की केमिस्ट्री अप्रत्याशित रूप से मनोरंजक है पटकथा बड़ी चतुराई से उनके विपरीत व्यक्तित्वों को संतुलित करती है टिलम्स के असाधारण पहलुओं में से एक हृदय स्पर्शिक्षणों के साथ हास्य को संतुलित करने की इसकी क्षमता है डेडपुल के वन लाइन और कमेंटरी लगातार हंसी प्रदान करते हैं और फिल्म को मजेदार बनाते हैं कहानी कुछ हद तक ठीक और दोहराव वाली है लेकिन पटकथा उस दोष को कवर करती है निस्संदेह ये शॉन की महान रचना है उन्होंने इस फिल्म को खूबसूरती से तैयार किया है क्रेडिट वीडियो शायद आपको भावुक कर देगा फिल्म शुरू होने के साथ ही अंत तक पागलपन भरी रही डेडपुल तीसरी सैर के लिए वापस आ गया है चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं और परिणाम आश्चर्यजनक रूप से मजेदार हैं कुछ लोगों की ओर से चौंकाने वाली अत्यधिक नफरत के बावजूद देखिए मैं समझ गया मैं कोई अद्भुत व्यक्ति नहीं हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछले डेढ़ दशक से सिनेमाघरों में एमसीयू की शानदार उपस्थिति सिनेमा की सभी चीज़ों के लिए हानिकारक रही है या फिर आपके और श्रीमान के लिए ने इसे व्यक्त और यही ज्यादातर और में होता है इसके अलावा वास्तव में अभी भी कहानी के दिलों और किरदारों का अच्छा ख्याल रखा जाता है चुटकुले और कॉमेडी एक जगह से बाहर नहीं फिर भी एक किरदार दिया जाता है जिससे हम अभी कुछ भावनाओं के साथ मिले थे ताकि हम कर सकें वास्तव में परवाह और अतीत का मजेदार उदासी इन इनकेमियों की उन्होंने इसके साथ न्याय किया कैसेंड्रा नोवा के रूप में इम्मा कोरिन भी जिन्हें लोग शायद प्रचार के बाद भी याद नहीं करेंगे और शायद वर्षों में मैं खुद को ऐसा करने की गारंटी दे सकता हूं हमेशा उन्हें न केवल उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए बल्कि थोड़ी सी स्क्रीन टाइम में वास्तव में ठोस मुख्य खलनायक के लिए पहचाने और वैसे वास्तविक जीवन में दो सबसे अच्छे दोस्त रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन ने भी इस फिल्म में एक विपरीत मुख्य जोड़ी की भूमिका निभाए और उन्होंने परफेक्ट शब्द जितना सरल लेकिन अर्थपूर्ण है कुल मिलाकर डेडपुल और वूलवरिन जियोटी जी तीन के बाद प्रदर्शित होने वाली सबसे अच्छी सुपरहीरो फिल्म है और अगर यह आखिरी बार होगा तो हम डेडपुल को उसके एकल में देखेंगे फिल्म निश्चित रूप से रयान रेनॉल्ड्स को इस संभावित अंतिम अध्याय के लिए उन सभी पागल कैमियो को प्राप्त करने में और भी अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है यह एक आदर्श स्थिति में एक आदर्श अवसर है और आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि उतने अधिक कैमियो नहीं थे जितना लोग अनुमान लगाते हैं या प्रचार मुझे नहीं पता कि मुझे इसे त्रुटिपूर्ण मानना है या नहीं लेकिन निश्चित रूप से अधिक मनोरंजन के लिए और आधे घंटे का कैमियो कैमियोफेस्ट तब तक ठीक रहेगा जब तक वे उनका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं और मुझे बस उम्मीद है कि वे किस चीज़ पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे पूरी चीज़ का वास्तविक वास्तविक उद्देश्य और कुछ दृश्य भी जिन्हें वे बेहतर कर सकते थे यही कारण है कि डेडपुल और वुलवरिन परफेक्ट नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा समय था निश्चित रूप से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक ये फिल्म ये तय नहीं कर पाती है कि यह एक पैरोडी है प्रशंसक सेवा है या सिर्फ़ एक पूरी तरह से थप्पड़ मारने वाली सुपरहीरो फिल्म है और यह इनमें से किसी में भी सफल नहीं होती है मुझे नहीं पता कि यह फिल्म किसके लिए बनाई गई थी अपने दोस्तों को बिल्कुल भी न लाएं जब तक कि उनके पास सुपरहीरो फिल्मों के पिछले बीस वर्षों में पीएचडी न हो अन्यथा आप उन्हें यह सब समझाने की कोशिश में एक घंटा बिता देंगे और इस प्रक्रिया में वास्तव में लच लगेंगे जैसे वुलवरिन ने कॉमिक पुस्तकों से अपनी पोशाक पहनी है क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं शेष विश्व और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सुपरहीरो शैली में वर्षों में सबसे ताज़ा बदलाव है और इसमें नई जान फूंकता है कोई मौका नहीं ये फिल्म पूरी तरह से एमसीयू गायक मंडल एक गाना बजाने वालों का समूह जो बुरी तरह से धुन से बाहर है को उपदेश देती है ये उगती है कि इन फिल्मों ने खुद को विद्या की दुर्गमता के एक कोने में चित्रित कर लिया है और उनके उम्रदराज सहस्राब्दी और पीढ़ी जैद दर्शक उनकी व्यापक भीड़ के लिए अपील पीजी माइनस तेरह पन से उब गए हैं वे ध्वनि और रोश और सीजी हैं और युवा किशोर बाउबल्स पर अंतहीन एक उछाल और दाव लगा रहे हैं हम में से अधिकांश बड़े हो गए हैं और अब वे आगे कहाँ जाएंगे मैं नहीं जानता लेकिन यह वुलवरिन का पंजा नहीं है आप सर्वश्रेष्ठ कॉमिक बुक मूवी चाहते हैं वह डेडपूल और वुलवरिन है जो खून और साहस से भरपूर है फिर भी एक कॉमिक बुक की तरह मजेदार मनोरंजक और बदमाश है एक मूर्खतापूर्ण हास्यपूर्ण साहसिक कार्य के साथ जो किसी भी तरह से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक बन जाता है यूनिवर्स और यह जी ओ टी थ्री के बाद से मावल सिनेमेटिक यूनिवर्स के सबसे अच्छे मिशनों में से एक है जबकि पिछली दो डेडपुल फिल्मों की अपनी अनूठी मजेदार शैली है केविन फीगे ने इस पूरे विचार के लिए जो सहमति व्यक्त की वह दूसरे स्तर पर है यह पूरी कहानी महसूस हुई हर कॉमिक बुक प्रशंसक जंगली कहानी की तरह पहले यह है और फिर इस चीज को घटित करते हैं इस चरित्र को भी इसमें शामिल करें यह स्पष्ट रूप से व्यक्तिपरक है लेकिन झगड़े इतने चालाक होते हैं जिनमें प्रभाव बल गंभीरता तात्कालिकता या परिणाम की कोई भावना नहीं होती है वे अमेरिकी पनीर के अनुरूप एक्शन फाइट हैं यह एक उच्च उत्पादन वाला वीडियो गेम है इससे अधिक कुछ नहीं ये स्पष्ट करने के लिए कि हम एक और परवाह करने वाले सुपरहीरो की लड़ाई देख रहे हैं उन्हें एनसिंग्स बाय 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 जैसी विभिन्न पुरानी पॉप धुनों पर सेट किया गया है ठीक है यह एक सस्ता हथकंडा है लेकिन ये काम कर सकता है फिर भी दुर्भाग्यवश वे इसके प्रति आलसी थे वह ब्रूसली के बैले में बाय 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 गीत पर तीन लोगों को लात नहीं मारता रेनॉल्ड्स बॉय बैंड नृत्य देखने के लिए कार्रवाई में कभी कभी ब्रेक होता है और फिर यह रटी रिताई कार्रवाई पर वापस आ जाता है इसलिए जब तक आपके पास 2000 हज़ार एनसिम के लगभग अजीब मध्य विद्यालय नृत्य की यादें न हो अभिभूत होने के लिए तैयार रहें इसके अलावा निजी अंगों में परेशान करने वाली संख्या में तलवारें पंजे चुभाए गए हैं जैसे कि ऐसा करना स्वचालित कॉमेडी सोना या नुकीला या लिफाफा धकेलना है या कौन जानता है ये बिल्कुल सस्ता और मूर्खतापूर्ण है इस तरह की नॉटन की इस फिल्म की आर रेटेडनेस का आनंद लेने का किशोर तरीका है यदि आप पीजी जी तेरह एमसीयू फिल्मों के अनुभवी हैं तो यह बेहुदा पेशाब भी जो खास्य कम से कम नया लग सकता है या इस बात का सबूत हो सकता है कि डिज्नी एमसीयू बड़ा होने के लिए तैयार है लेकिन यदि आप दिशा से आ रहे हैं पिछली डेडपूल पहले से ही आर रेटेड फ़िल्में या द बॉयज़ जैसी टीवीएम श्रृंखला आप जमाए लेंगे और सभी कठिन किशोर लड़कों की बदमाशी को देखकर घबरा जाएंगे कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फ़िल्म ईस्टर अंडों से भरी है लेकिन मैं असहमत हूं ईस्टर अंडे अतिरिक्त छोटी चीजें हैं जिन पर प्रशंसक ध्यान देंगे लेकिन मुख्य कहानी का आनंद लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है यहाँ वे संपूर्ण बिंदु हैं इसलिए यदि आप उन्हें खो रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है दूसरी ओर एमसीयू के नर्द आत्मसंतुष्टता का आनंद लेंगे इस धुन पर यदि आप इसकी सराहना करने के लिए शैली से पर्याप्त रूप से परिचित हैं तो यह एक बेहतरीन फिल्म है लेकिन अन्यथा आपको गलत तरीके से यह सोचने के लिए माफ किया जा सकता है कि यह एक खराब फिल्म है दोस्तों मैं इस फिल्म के लक्षित दर्शकों में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत हूं और मैं आपको इस भ्रम से दूर रखना चाहता हूं यह एक खराब फिल्म है क्या आपको चौथी दीवार तोड़ना पसंद है अरे भाई क्या आपके पंद्रह वर्षीय कॉमिक कॉन का हास्य बोध एक इलाज के लिए है क्योंकि रियान रेनॉल्ड्स इनमें से सबसे अधिक गालियां देता है रेनॉल्ड्स कितनी बार चौथी दीवार तोड़ता है आप इसे एक तरह का ड्रिंकिंग गेम बना सकते हैं क्योंकि अगर एक या दो चौथी दीवार टूटती है तो यह हास्यास्पद है निश्चित रूप से दस या बीस कॉमेडी गोल्ड है है ना शून्य चरित्र विकास फॉर्चून कुकी प्लॉट और रैपिड फायर वाइज क्रैक संवाद के शून्य में जो ज्यादातर कुछ भी नहीं कहता है एक्शन दृश्यों ने सभी गंभीरता खो दी और सामान्य कंप्यूटर जन्यता कैंडी बन गए जो पहले युगल की लड़ाई के बाद थका देने वाले हो जाते हैं दूसरे शब्दों में ये पूरी शैली पिछले कई वर्षों से दो दिन पुराने डॉलर ट्री गुब्बारे की तरह क्यों खराब हो रही है इसके मुख्य दोषियों में से एक दो मुख्य पात्र एक दूसरे को अंतहीन रूप से मुक्का मारते हैं लाते मारते हैं लेकिन व्यर्थ भी क्योंकि वे काफ़ी हद तक अजय हैं इस प्रकार उनके झगड़े निरर्थक हैं और दांव पर शून्य है इसकी भरपाई के लिए वे इन झगड़ों को मज़ेदार या आविष्कारशील या आश्चर्यजनक रूप से शानदार बना सकते थे मिलेनियल और जेन जेड जागरूकता पर अपेक्षित चतुर रिफ्स डालें जहां फिल्म अनिवार्य रूप से इसे बनाने से पहले किसी भद्दे मजाक के लिए पहले ही अस्वीकार कर देती है या माफी मांग लेती है और यह फिल्म मेरे लिए पूरी तरह से असफल हो गई मुझे पता है कि हमें अब सी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए लेकिन आप एक तरह से सी शब्द हैं कल्पना कीजिए कि की रयान रेनॉर्ड ने जानबूझ कर चाला की भरी आवाज में यह कहा है और आपको इसका अंदाजा हो जाएगा वैसे भी मजाकिया हा हा है ना मृत पात्रों को वापस लाने की व्याख्या करने के लिए कथानक किसी प्रकार की वैकल्पिक समय रेखा वैकल्पिक ब्रह्मांड बकवास है या कुछ इस तरह का फिल्म इस बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि क्या यह इस अत्यधिक उपयोग किए गए रिकॉन तंत्र को गले लगा रही है या इसकी पैरोडी कर रही है लेकिन इसके परिणामस्वरूप दर्शकों ने तत्काल ध्यान आकर्षित किया आपका वास्तव में इसमें शामिल है और मैंने ये पता लगाने की कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने मानसिक रूप से बताया कि मैंने कितना पैसा बर्बाद किया यह एक साथ बहुत पतला और एक साथ फेंक दिया गया था लेकिन साथ ही बहुत जटिल भी था क्योंकि निश्चित रूप से इसे समझ में लाने के लिए एमसीयू हुक्स और नियमों के माध्यम से कूदना पड़ता है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यदि आप में इतनी हिम्मत है तो टीवीए मावल खोजें और एक बड़े बेवकूफ़ खरगोश के बिल में जाने के लिए तैयार हो जाए मैं अस्सी के दशक के बच्चे के रूप में कॉमिक्स पढ़ता था जब टीवीए बनाया गया था और यहां तक कि मैंने ग्यारह साल की उम्र में सोचा था कि यह हॉकी बीएस का एक समूह था लेकिन अगर पवित्र समय रेखा नामक कोई चीज आपके बेवकूफ ओमीटर को पागलों की तरह बीप करने और उन्माद में बदलने पर मजबूर कर देती है आप इसे पसंद करेंगे मुझ पर विश्वास करें वैसे भी इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जर्ज कथानक सिर्फ करोड़ों कैमियों को लटकाने का काम करता है ये फिल्म बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है रयान रेनॉल्ड्स के अलावा डेडपुल एक और दो के बाकी सामान्य सहायक कलाकारों को शुरुआत में केवल कुछ समय के लिए दिखाया जाता है और फिर अन्य नायकों द्वारा कैमियों की अंतहीन परेड के लिए तुरंत छोड़ दिया जाता है अन्य मावल फिल्मों के खलनायक प्रत्येक स्क्रीन पर रेनॉल्ड्स के लिए मजाक का चारा प्रतीत होता है लेकिन कुछ ही क्षण बाद बिना किसी कारण के गायब हो जाता है ये डेडपूल एक और दो ने जो हासिल किया उसके बिल्कुल विपरीत है जो एक दिलचस्प मुख्य किरदार सहायक कलाकार और मजबूत मात्रा में स्टैंडलोन आकर्षण था डेडपूल और वुलवरिन में मजाक में शामिल होने का कोई भी मौका पाने के लिए आपको एमसीयू का अनुभवी होना होगा आपको संभवतः नब्बे के दशक की सुपर हीरो फिल्मों का अनुभवी होने की भी आवश्यकता है क्योंकि इलेक्ट्रा जैसे पुराने असफल फ्रेंचाइजी प्रयासों और ब्लेड जैसे असफल रहे अन्य प्रयासों के बारे में चुटकुले हैं आपको वुलवरिन चरित्र और वर्षों के दौरान उसकी विभिन्न प्रस्तुतियों का अनुभवी होना होगा आपको पर्दे के पीछे के कॉर्पोरेट अधिग्रहणों और फ्रेंचाइजियों के नाटक पर बहुत नजर रखनी होगी ये वास्तव में एक ऐसी फिल्म है जो आपसे मेटा को बहुत गहराई से जानने की मांग करती है मैंने संभवतः उपरयुक्त एमसीयू और सुपरहीरो फिल्मों में से आधी देखी है और कॉमिक पुस्तकों के साथ बड़ा हुआ हूँ इन्फिनिटी गॉन्ट्रेट कहानी तब सामने आई थी जब मैं हाई स्कूल में था लेकिन मैं अभी भी ज्यादातर खोया हुआ था और अंदर की कई चीज़ों को याद कर रहा था बेसबॉल चुटकुले और ट्विस्ट जिन्हें मैंने पूरी तरह से समझ लिया वे बहुत मज़ेदार या भुगतान के लायक नहीं थे इसमें भी चुटकुले और व्यंग्य बहुत मज़ेदार हैं और उन्होंने हास्य को एक कदम आगे बढ़ाया और पीछे नहीं हटे यहां तक कि ब्रिटेन का सबसे बदसूरत कुत्ता भी इस फिल्म में है और मेरा दिल उस प्यारे और मजाकिया कुत्ते के लिए अतिरिक्त धड़कता है इसे हर किसी की तरह प्यार की जरूरत है मजाकिया टिप्पणियों के साथ साथ एक क्षण दृश्य बहुत मनोरंजक और रचनात्मक हैं ये खूनी और कच्चा है और मुझे आर रेटिंग पसंद है इसके साथ संगीत का चयन भी उत्तम है इस फिल्म ने मुझे आशावान बनाया अच्छी और मजेदार मावल फिल्में अभी भी बनाई जा सकती हैं मैं जानता हूं कि इस मामले में रेयान रेनॉल्ड्स का बड़ा प्रभाव था और जब वे इस फिल्म की सफलता देखेंगे तो मुझे आशा है कि वे सीखेंगे और भविष्य में फिल्में बनाते समय उन्हें इसकी याद दिलाई जाएगी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सुपरहीरो फिल्मों के आधुनिक युग से अपरिचित नहीं है और अब दस वर्षों की सुपरहीरो थकान के साथ मुझे डेडपुल एक और दो बहुत ताज़ा लगी एक सुपरहीरो फिल्म जो शैली को अपने कानों में बदल देती है और ख़ुद को भी नहीं लेती है गंभीरता से लेकिन इसके नीचे कुछ सच्चा दिल भी है इसके अतिरिक्त आपको डेडपुल को प्राप्त करने के लिए फाइव जोड़ अन्य फिल्में देखने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप उन व्यापक चरित्र चित्रों और विषयों से परिचित हैं जिनका यह मजाक उड़ा रहा था मुझे आशा है कि आप एक और डेडपुल फिल्म की उम्मीद नहीं कर रहे थे यह एक मावल सिनेमेटिक यूनिवर्स एमसीयू फिल्म है जिसमें डेडपुल को दिखाया गया है और यदि आप सोच रहे हैं कि वह विशेष अंतर क्यों महत्वपूर्ण है तो केवल उसी के आधार पर मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि आपका समय संभवतः खराब होने वाला है और यदि आपने अभी सीखा है कि एमसीयू का क्या मतलब है क्योंकि मैंने इसे ऊपर बताया है तो सभी आशा छोड़ दें इस तीसरी किस्त के लिए उन्होंने चुटकुलों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कैमियो को दोगुना करना पसंद किया इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुर्भाग्य से कथानक और चरित्र विकास का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है और अंत में विषय वस्तु और गहराई की दृष्टि से यह खोखला लगता है और पहली दो दुर्दैटपुल फिल्मों को देखते हुए यह अफसोस की बात है जिस किसी के भी बहुत सारे चुटकुले बहुत अच्छे से आते हैं मुझे इस कदम से बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि मैं इसे दोबारा देखने का आनंद लूंगा अंत में एक छिछली कॉमेडी कॉमिक बुक मूवी के अलावा कुछ भी उम्मीद न करें और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे खूब हंसे लेकिन उससे आगे किसी चीज की उम्मीद न रखें निराश न हो हाल के वर्षों में स्पाइडरमैन और गार्जियंस वॉल्यूम तीन को छोड़कर रिलीज हुई सभी बेकार फिल्मों के बाद मैं फिर से एक अच्छी मावल फिल्म का इंतजार कर रहा हूं मेरी राय में एंड गेम के बाद डेडपुल एंड वुल्वरिन सर्वश्रेष्ठ मावल फिल्म है कहानी ठीक है कुछ खास नहीं और इस फिल्म में यह उतना मायने नहीं रखता क्योंकि बाकी सब कुछ परफेक्ट है यह चतुराई से लिखी गई कॉमेडी और रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन के बीच की केमिस्ट्री है जो वास्तव में इस फिल्म को चमकाती है वुल्वरिन को दोबारा देखना बहुत अच्छा है आपको अन्य किरदारों को कैमियो वापसी करते हुए भी देखने को मिला जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था ये बहुत बढ़िया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए किरदार भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन्हें होने चाहिए और अभिनेताओं ने उन्हें बखूबी निभाया है बुरा आदमी अच्छा है सबसे अच्छा बुरा आदमी नहीं है लेकिन अच्छा है और हमारे दो नायकों को मूर्ख बनाकर फिल्म और कॉमेडी में योगदान दे क्या डेडपुल मावल ब्रह्मांड को पुनर्जीवित करेगा मुझे शक है डेडपुल हमेशा से अपनी ही चीज रही है इसकी अपनी अजीब दुनिया है इसलिए नहीं और प्रचार खत्म होने के बाद लोग वहीं बस जाएंगे जहां ये वास्तव में पहुंचता है समय के माध्यम से यात्रा करने और अपनी कई विफलताओं को ठीक करने के बाद भी वैदविल्सन उर्फ डैडपुल उर्फ द मर्क विद द माउथ अभी भी कोई उद्देश्य नहीं पा सके हैं नायक बनने का त्याग करते हुए वेड एक सांसारिक जीवन जीने का संकल्प लेता है जब तक कि टीवी उसे भर्ती करने का प्रयास नहीं करता ये पता चलने के बाद कि जिन लोगों से वह प्यार करता है वे खतरे में हैं वह एकमात्र व्यक्ति को भर्ती करता है जो उन्हें बचा सकता है और काम पर लग जाता है बेहद सफल फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त ये फिल्म इक्कीसवीं सदी की फॉक्स मावल फिल्मों को एक श्रद्धांजलि है इसमें सभी क्लासिक डेडपुल तत्व आश्चर्य और मावल ईस्ट अंडे हैं एक्शन महाकाव्य और रक्तरंजित है खासकर डिज्नी मावल फिल्म के लिए फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और अंत तक हंसी आती रहती है कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी कहानी इक्कीसवीं सदी की अन्य सभी फॉक्स फिल्मों के ढीले छोरों को जोड़ने का शानदार काम करती है यह एमसीयू के लिए भविष्य में क्या हो सकता है इसका कुछ हद तक पूर्वाभास देता है ये बिना किसी ब्रेक या रुकावट के दो घंटे और आठ मिनट की उड़ान भरता है ये सभी मावल प्रशंसकों के लिए सिनेमाघरों में अवश्य देखी जाने वाली फिल्म है डेडपुल और वुलवरिन एमसीयू में अंतिम प्रवेश द्वार है और इस फ्रेंचाइजी के तहत पहली डेडपुल फिल्म है पहली दो डेडपुल फिल्मों में बहुत मजेदार होने के साथ साथ एक कथानक और कुछ महत्वपूर्ण चरित्र विकास भी दिखाया गया था पहला वाला आज भी मेरा पसंदीदा है और मुझे इसे देखने में हमेशा आनंद आता है कॉमिक बुक प्रशंसकों को इसमें बहुत सी चीजें दिखाई देंगी जो उन्हें पसंद आ सकती हैं पोशाक कई चीजों में से एक है आप फीगे के बारे में सोच सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं लेकिन कई बॉस अपने कर्मचारियों को इतना कुछ करने की अनुमति नहीं देते हैं उन्हें और उनके काम को देखकर मजा आता है और उसका दिल सही जगह पर है निश्चित रूप से रयान के लिए भी यही बात लागू होती है मेरा मानना है कि तीन दी एक अच्छा जोड़ है खासकर शुरुआत उसके बाद आप शायद ज्यादातर इस पर ध्यान नहीं देंगे और हमेशा की तरह मध्य और अंत के क्रेडिट दृश्यों के लिए बने रहें हालांकि मध्य क्रेडिट फिर से एक प्रेम पत्र की तरह है जो फिल्म की तरह ही पागलपन भरा और मजेदार है वास्तव में भावनात्मक है निश्चित रूप से रोलर कोस्टर की सवारी इसे देखने जाए यदि आप एक निश्चित उम्र के हैं और निश्चित रूप से हास्य से कोई आपत्ति नहीं है कुल मिलाकर अच्छा मज़ा बहुत कच्चा सीजीआई खूनी और खूनी इसलिए जाने कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन मावल प्रशंसकों के लिए कुछ बेहतरीन कैमियो प्रस्तुतियों के साथ हालांकि यह एक बेहतरीन सेटिंग में नहीं हुआ खलनायक फीके और उतने ही अरुचिकर थे जितना आप पा सकते थे मैं इसे मज़ाक में जाने के लिए पास दूंगा जहां अधिकांश चमत्कार नहीं होते हैं भले ही बहुत दूर लेकिन यही बात है और ज्यादातर जागरूक या राजनीतिक बकवास से बचते हुए डिज्नी देखें इससे फ़र्क पड़ता है रयान रेनॉल्ड्स अपने खेल में शीर्ष पर हैं कई मज़ेदार पंक्तियों के साथ हालांकि मैं और मैं जिस सिनेमा में थे उससे कहीं ज़्यादा हंसी की फ़ुहारें फूट पड़ी हालांकि वन लाइना हमेशा हिट नहीं होते हैं बहुत सारे पहले से ही पुराने पॉप संस्कृति संदर्भ और ईस्टाग चुटकुले जिनकी मैंने सराहना की लेकिन बहुतों को नहीं मिला क्यू जैकमैन को वापस देखना और वुलवरिन को उसकी उचित पोशाक में देखना बहुत अच्छा है एनिमेटेड में यह बेहतर दिखता है यह इस बात का प्रमाण है कि फ़िल्म निर्माताओं ने इसे मूल एक्समैन के साथ सही ये निश्चित रूप से वर्ष की मेरी शीर्ष सूची में होगी मेरा मानना है कि आप कई चीज़ों के लिए मावल और या डीसी को दोषी ठहरा सकते हैं लेकिन आप ये फ़िल्म भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि बहुत कुछ अच्छा किया गया है मैंने वह ट्रेलर नहीं देखा था जो रिलीज़ हो चुका था मैं जितना संभव हो उतना कम जानना चाहता था और मुझे आशा है कि आप इसे उसी मानसिकता के साथ देख सकते हैं और हर स्तर मेटा और अन्यथा पर इसका आनंद ले सकते हैं धन्यवाद रयान यूब और जैक और ने बाकी सभी लोग इसमें शामिल थे आप सभी रॉक कहना पड़ा संपादित करें इसे दूसरी बार देखा और इसने अपनी कोई भी महानता नहीं खोई अनुमानित या अन्य था मैं समझता हूं कि दुनिया भर के दर्शक ऐसा ही महसूस करते हैं और कई लोगों ने इसे दो बार जाकर देखा है पिछली फिल्म जो मैंने सिनेमाघरों में देखी थी इन गेम दूसरी ओर कुछ आलोचकों को यह बात समझ में नहीं आती और यह ठीक है यह फिल्म दर्शकों के आनंद के लिए बनाई गई थी न कि इसके पीछे ऊंची कहानी या ज्यादा कहानी के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि यह कभी कभी गहराई तक नहीं जाता है खासकर जब बात 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए एक प्रेम पत्र की आती है और इसने रयान और अन्य मावल उत्पादों के लिए क्या किया मैंने महान परिचय के बारे में बात की लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था इन द्वारा उपयोग किए गए गीत का गहरा अर्थ है जैसा कि मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया था और इसका संबंध लड़के के प्रबंधक से है बैंड और यह गाना उनके साथ नाता तोड़ने के बाद रिलीज होने वाला पहला गाना है यदि आपकी इसमें रुचि है तो हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई है और इसके लिए चुना गया गाना महज एक संयोग है रयान जानता है कि वह क्या कर रहा है ये सब कहा गया मैं बीच की फिल्मों का प्रशंसक था यानी एमसीयू फिल्में कुछ ज्यादा कुछ कम लेकिन मैंने कभी उनमें से किसी को भी नापसंद नहीं किया मैं जानता हूं कि कुछ लोग अलग तरह से महसूस करते हैं और डेडपुल इसमें भूमिका निभाएगा आप जानते हैं कि वह किसी भी चीज में अपनी उंगली डालेगा हालांकि यहां उंगली डालना किसी और के द्वारा किया जा रहा है एक पागलपन भरे तरीके से अधिक जानकारी के लिए फिल्म देखें बस फिल्म की शुरुआत है कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह अद्भुत है और मैं शपथ ग्रहण या कार्रवाई रक्त हिंसा का स्तर इक्वल्स उच्चक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बल्कि चौथी दीवार तोड़ने की भी बात कर रहा हूं ये तो अद्भुत है और यह रास्ते में और भी बेहतर हो जाता है हमें यू को देखने में एक मिनट लग सकता है लेकिन जब हम अंततः उसके पास पहुंचते हैं तो हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे होते हैं फिर कैमियो हैं दूसरे डेडपूल में हमारे पास पहले से ही कुछ हे विवेक थे और वहां से ये केवल बेहतर होता गया कुछ कहानी से संबंधित कुछ केवल शुद्ध मनोरंजन के लिए कुछ सचमुच दिलचस्प कॉल बैक कुछ को देखने के बाद आप गलत अनुमान लगा सकते हैं विशेष रूप से पहला बड़ा कैमियो मैं और अधिक खुलासा नहीं करना चाहता लेकिन ये बिल्कुल अद्भुत है और हैरान कर देने वाला है इसके बाद क्या होगा इसका उल्लेख नहीं है जबकि वहां कोई नग्नता नहीं है ऊपरी पुरुष शरीर के अलावा बहुत सारी क्रिया और हिंसा है और वास्तव में गंभीर ऊपर से अंधेरा भी साथ ही काफी गालियां भी हो सकता है कि हम डेडपुल की इस तरह की बातों के आदि हो गए हों लेकिन ऐसे अन्य अभिनेता पात्र भी हैं जो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे इसके प्रति सचेत रहें और दोष न दें यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो फिल्म मैंने कैमियो का उल्लेख किया है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वे कितने महान हैं और यही कारण है कि मैं इसे दोबारा देखने जाऊंगा और संभवतः सामग्री जोड़ने के लिए अपनी समीक्षा संपादित करूंगा हालांकि मैं कोई नाम नहीं जोड़ूंगा बस ये सोचकर ही मैं चक्कर में पड़ जाता हूं या आप इसे जो भी कहें हालांकि डेडपूल और वोलवरिन पर्याप्त कथानक की कमी से ग्रस्त है कथा एक सामंजस्यपूर्ण कहानी की तुलना में मनोरंजक लघुचित्रों की एक श्रृंखला की तरह अधिक लगती है ऐसी धारणा है कि फिल्म एक सम्मोहक व्यापक कथानक तैयार करने की तुलना में यादगार क्षणों और प्रशंसक सुखदायक दृश्यों को प्रस्तुत करने से अधिक चिंतित है परिणामस्वरूप ये कुछ हद हाँ तक लक्ष्यहीन और महत्वहीन महसूस हो सकता है अंत में डेडपूल एंड वुलवर एक मजेदार आनंददायक फिल्म है जो प्रशंसक सेवा और मनोरंजक चरित्र बातचीत प्रदान करने में सफल होती है हो सकता है कि यह एक उत्कृष्ट कृति न हो लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है इसका प्राथमिक लक्ष्य मनोरंजन करना है और इस संबंध में यह सराहनीय रूप से सफल होता है पात्रों के प्रशंसकों के लिए यह निश्चित रूप से देखने लायक है भले ही यह कोई स्थायी प्रभाव न छोड़े या ये यीशु है चमत्कार खैर किसी भी तरह से कोई व्यंग्य का इरादा नहीं है और मेरे लिए भी कोई इंतज़ार नहीं जब प्री ऑर्डर शुरू हुए ईमानदारी से कहूं तो जर्मनी में काफ़ी देर से जब यह अमेरिका में शुरू हुआ था तब की तुलना में मुझे इसके आईमैक्स के पहले सप्ताह में टिकट पाने की इतनी जल्दी नहीं थी दौड़ना तो मैंने सोचा कि मैं इंतज़ार करूंगा और दूसरे सप्ताहांत में इसे देखने जाऊंगा खैर पिछले कुछ दिनों और फिल्म के बारे में चर्चा ने मुझे दो बार सोचने पर मजबूर कर दिया इसे अभी एक बार क्यों न देखें और फिर एक या दो सप्ताह में दोबारा क्यों न देखें आखिरी फ़िल्म जो मैंने की थी एवेंजर्स एंड गेम आपके अनुसार यहाँ कोई संबंध हो सकता है अच्छा आप किसी चीज़ पर हैं डेडपूल अपनी कॉमेडी वैल्यू के लिए जाना जाता है और यह फिल्म मिस नहीं करती मुझे लगा कि यह काफ़ी मज़ेदार है मुझे चौथी दीवार के टूटने और वास्तविक जीवन के संदर्भ पसंद हैं फिल्म आश्चर्य से भरी है खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से मावल के प्रशंसक रहे हैं मैं किशोर अवस्था में खुशी के मारे आंसू बहा रहा था सामान्य तौर पर मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई मैंने सचमुच सपना देखा कि मैं इसे आज फिर से देख रहा हूँ ये बहुत मजेदार था हालांकि मुख्य कहानी थोड़ी मजबूत हो सकती थी डेडपूल एंड वुल्वरिन एक अत्यधिक मनोरंजक फिल्म है जो कुछ साहसिक रचनात्मक जोखिम उठाती है जो इसे सुपरहीरो शैली में एक ताज़ा जोड़ बनाती है हालांकि कथानक और कथात्मक गहराई के मामले में यह कम पड़ जाता है फिल्म का फॉर्मूला परिचित होते हुए भी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है इसके लिए दर्शकों को मावल ब्रह्मांड के विश्वकोशीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जो कि फ़्रेंचाइज में कुछ हालिया प्रविष्टियों से एक ताज़ा बदलाव है ये पहुंच आकस्मिक प्रशंसकों के लिए एक स्वागत योग्य राहत है जो मावल सिनेमेटिक यूनिवर्स की परस्पर जुड़ी कहानियों और असंख्य पात्रों से अभिभूत महसूस कर सकते हैं फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी बेधड़क प्रशंसक सेवा है नो वे होम की तरह ये प्रिय पात्रों को एक साथ लाने और दर्शकों की फ़्रेंचाइजी के प्रति पुरानी यादों और स्नेह को बढ़ाने में आनंदित है यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि फ़िल्म आकर्षक और मजेदार है भले ही यह नई ज़मीन न तोड़ती हो डेडपूल और वुलवरिन के बीच की बातचीत विशेष रूप से आनंददायक है जो अपमानजनक हास्य और मज़ाक से भरी हुई है जिसकी प्रशंसक डेडपूल से उम्मीद करते हैं और वुलवरिन का कर्कश कोई बकवास रवैया नहीं मुझे लगता है कि चौथी दीवार के लगातार टूटने के कारण मैं उतना व्यस्त नहीं था ऐसा पहली दो फ़िल्मों में किया गया था लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ होता है ऐसा लगता है जैसे हर पांच मिनट में कोई मजाक करने के लिए कैमरे की ओर मुड़ता है और देखता है कई चुटकुले फॉक्स मावल और डिज्नी के बारे में हैं कुछ ठीक हैं लेकिन इतने सारे हैं कि आप कहानी से बाहर हो जाते हैं बकवास बातचीत को भी ग्यारह बजे तक डायल किया गया था ये लगभग वैसा ही है जैसे लेखकों ने महसूस किया कि उन्हें पिछली दो फिल्मों से आगे जाने के लिए बहुत अधिक दीवार तोड़ने वाली और बेस्वाद गालियां देने की जरूरत है हालांकि इसमें बहुत सारी सकारात्मकताएं हैं किरदार का कैमियो शानदार है जब भी कोई नया व्यक्ति स्क्रीन पर आता था तो मैं लगातार अपने आप को वाह कहता हुआ पाता था इस फिल्म में अतीत के इतने सारे महान पात्रों को शामिल करने के लिए रेनॉल्ड्स और सभी को बधाई मुझे लड़ाई के दृश्य और वी भी बेहतरीन लगे फिल्म में जबरदस्त एक्शन है हालांकि बहुत सारे चुटकुले थे मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरे पास कई लॉल क्षण थे यदि आपको पहली दो डीपी फिल्में पसंद हैं तो संभवतः आप इस नवीनतम किस्त का आनंद लेंगे मेरे लिए चौथी दीवार टूट गई और भद्दे हास्य ने एक मजबूत मूल कहानी को कम कर दिया ये फिल्म प्रशंसकों और मावल के लिए एक सच्चा प्रेम पत्र थी कहानी की दृष्टि से ये काफ़ी बुनियादी और मध्यम था हीरो दिन बचाने की कोशिश करता है हम जानते हैं कि यह अब कैसे चल रहा है खलनायक भी बहुत अच्छा था लेकिन उनकी प्रेरणाएं बस बसमहस थीं मैं थोड़ा और बैकस्टोरी चाहता था बाकी सब कुछ बिल्कुल अद्भुत था शुरुआती दृश्य आकर्षक था और इसने मुझे सीधे फिल्म से जोड़ दिया ध्वनि डिजाइन अद्भुत था गानों की धुन पर एक्शन दृश्यों को बचते देखना अविश्वसनीय रूप से संतुष्टिदायक है और इस फिल्म में बहुत सारे बेहतरीन एक्शन सीन थे सभी अपने अपने तरीके से अलग अनोखे और दिलचस्प ये वास्तव में पिछले कुछ समय में मेरे लिए सबसे अच्छे फिल्म अनुभवों में से एक है मुझे इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने में बहुत आनंद आया निस्संदेह रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन की केमिस्ट्री फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक है मुझे इम्मा कोरिन का प्रदर्शन बहुत पसंद आया यहां तक कि उनका किरदार भी काफ़ी अविकसित है मुझे अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने पुराने फॉक्स पात्रों के कैमियो और अतिथि प्रदर्शन का भी उपयोग किया हालांकि समेरेखा और ब्रह्मांड कैसे काम करते हैं इसके बारे में कुछ असंगतताएं और कथानक में खामियां हैं फिल्म का कथानक काफ़ी जटिल है इसे अभिनय प्रदर्शन मजेदार चुटकुले और कॉलबैक बिल्कुल पागल लड़ाई कोरियोग्राफी आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव और अद्भुत ईस्ट अंडे द्वारा बचाया गया था कुल मिलाकर ये फॉक्स ब्रह्मांड के लिए एक शानदार विदाई थी डेडपुल फिल्मों के लिए तीसरी प्रविष्टि थी और वुलवर इनकी फिल्म सूची में एक अच्छा जोड़ था मैंने पहली दो डेडपुल फिल्मों का भरपूर आनंद लिया जिनमें से पहली मेरी पसंदीदा है मुझे डीपी तीन कम सफल लगा मुख्यतः कमजोर कहानी के कारण पहली दो फिल्मों में मुझे लगा कि उनमें हास्य एक्शन और कहानी का अच्छा संतुलन था उन दोनों फिल्मों में गंभीर विषय थे जिन्होंने डेडपुल को फिल्म तक पहुंचाया लेकिन ये तीसरा दाव उतना ऊंचा नहीं लग रहा था डीपी और वुलवरिन को सफल होते देखने में मेरा तनिक भी निवेश नहीं था इस तीसरी फिल्म से वह तनाव और आशा गायक चलिए शुरुआत करते हैं कि कथानक सही नहीं है लेकिन यह एक मजेदार फिल्म है अब यदि आप इस फिल्म में यह कहते हुए आते हैं कि ठीक है मैं इसे ऐसे ग्रेड देने जा रहा हूं जैसे कि यह कई आलोचकों की तरह एक निबंध था जिसमें फिल्म देखने के पूरे अनुभव को हटा दिया गया है तो आप इस फिल्म का आनंद नहीं ले पाएंगे हालांकि यदि आप खुले दिमाग के साथ इस फिल्म में आते हैं और बस बैठकर फ़िल्म का आनंद लेने की कोशिश करते हैं तो आप पूरे रास्ते ख़ुद को हंसते हुए पाएंगे स्पॉइलर कहे बिना बहुत सारी प्रशंसक सेवा है लेकिन ये फ़िल्म को ख़राब नहीं बनाती है अगर यह कथानक में कुछ जोड़ता है और इसके कुछ चमकदार क्षण हैं मैं कहूंगा कि यह फ़िल्म पात्रों को विकसित करने के बारे में कम और उन्हें प्रदर्शित करने के बारे में अधिक है मेरी सलाह है कि खुले दिमाग से काम करें इस फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको चमत्कार प्रेमी होने की आवश्यकता नहीं है यह मज़ेदार है और इसमें शानदार एक्शन है कहानी में निश्चित रूप से कुछ कथानक पूर्ण है और कुछ आदर्श विकल्प नहीं है और यही कारण है कि ये दस नहीं है हालांकि एक्शन और कॉमेडी अद्भुत थी और कथानक बुरा नहीं है ये बहुत सरल है ये निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ डेडपुल फ़िल्म और सर्वश्रेष्ठ मावल फ़िल्मों में से एक है साजिश की संपूर्णता को नजरअंदाज़ करते हुए मैंने इसे समीक्षकों के पैमाने पर अपने आनंद के पैमाने पर नौ बटा दस दिया है ये सात दशमलव पाँच दस है सिर्फ इसलिए क्योंकि कथानक में समस्याएं थीं हालांकि कुल मिलाकर फिल्म का बाकी हिस्सा बहुत अच्छा था मायने ये रखता है कि फिल्म आपको कैसा महसूस कराती है और इस फ़िल्म का लक्ष्य आपको हंसाना और मनोरंजन करना है और इसने इसमें बहुत अच्छा डेडपूल एंड वुल्वर या डेडपूल तीन डेडपूल के लगभग आठ दशमलव पाँच साल बाद लोगान के सात साल बाद और एक्समेन के चौबीस साल बाद आता है उस समय एमसीयू में बहुत कुछ हुआ है फॉक्स वज में उतना नहीं लेकिन विल्सन डेडपुल रेनॉल्ड्स की दुनिया में वापस आना लगभग तुरंत आरामदायक और मजेदार है फिल्म एमसीयू और फॉक्स दोनों फिल्मों का मजाक उड़ाने का बहुत अच्छा काम करती है साथ ही डेडपुल और वुलवरिन लोगन जैकमैन पात्रों के प्रति सच्ची रहती है और साथ ही उन्हें टाइम वेरियंस अथॉरिटी के माध्यम से एमसीयू में एकीकृत करती है यदि आपने ऐसा नहीं किया है लोकी के दोनों सीजन देखे अत्यधिक अनुशंसित और कुछ विविध पहलुओं में मदद करेगा जैसा कि कहा गया है यह अभी भी एक स्टेंड लोन अनिच्छुक दोस्त यात्रा फ़िल्म के रूप में अच्छी तरह से काम करती है जिसमें लोगान बिना किसी आशा के एक ज़िद्दी व्यक्ति है और एक पराजित आशावादी है जो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है वैद जाहिर है ज्यादातर बातें करते हैं रेनॉल्ड्स के साथ हमेशा की तरह तेज़ और गंदे मज़ाक करते हैं लेकिन जैकमैन अपनी बात पर कायम रहते हैं नोवा कोरिन और पैराडॉक्स मैकफेडेन अच्छे हैं क्योंकि वे हमेशा आश्वस्त नहीं होते कि वे सौ प्रतिशत खलनायक हैं लड़ाई के दृश्य खासकर उन दोनों के बीच तेज और मजेदार हैं लेकिन यह अभी भी एमीरेटेड फिल्म है इसमें बहुत सारा खून खराबा है स्कोर और साउंड ट्रैक बहुत अच्छे हैं कुछ बहुत प्रसिद्ध गीतों का पूरे अनोखे और मजेदार तरीके से उपयोग किया गया है दोनों स्टूडियो से कॉमिक्स और पिछली फिल्मों के बारे में इतनी सारी सहमति संदर्भ है कि मैं यहां उनका उल्लेख नहीं करूंगा सिवाय इसके कि पीटर दिलानक वापस आ गया है और उसके पास कुछ बेहतरीन पल हैं कहने की जरूरत नहीं है एक प्रशंसक के रूप में जो मैं किशोरावस्था से ही इन किरदारों का अनुसरण कर रहा हूं मैं इस फिल्म से और कुछ नहीं मांग सकता यह शायद लोगन या मूल डैडपुल जितना अच्छा नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से दोनों पात्रों के लिए एक मज़ेदार और भावनात्मक यात्रा प्रदान करता है इसमें पर्याप्त चुटकुले हैं जो बहुत गंभीर नहीं हैं इसे ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए पर्याप्त एक्शन है और इसमें पर्याप्त दिल है मुझे नहीं लगता कि वे लोगन के बाद वुलवरिन को वापस लाने को पूरी तरह उचित ठहरा रहे हैं इसे इंगित करने से यह ठीक नहीं हो जाता लेकिन शुरुआती दृश्य की शाब्दिकता हास्यास्पद थी जैकमैन ने वास्तव में जो कुछ भी दिया है उसके लिए वह बहुत अच्छा है यहां दो तीन बार उनका कोई गंभीर दृश्य होता है तो वह वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वह इस फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा है चरित्र का पुनः प्रस्तुतिकरण जल्दबाजी भरा लगता है लेकिन जब जैकमैन को अंततः सांस लेने के लिए कुछ जगह मिलती है तो वह अच्छा प्रदर्शन करता है खूब हंसी मज़ाक हुआ और उतने चुटकुले गायब नहीं थे जितना मुझे डर था कार्रवाई अधिकतर ठोस और खूनी थी रेनॉल्ड्स और जैकमैन में अच्छी गतिशीलता है कुछ संदर्भ और कॉलबैक अच्छे थे कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले थे हालांकि दुर्भाग्य से आप डिज्नी पर्यवेक्षकों को महसूस करते हैं मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या संदर्भों से परे कोई वास्तविक उपद्रव या सेक्स दृश्य नहीं होंगे और मैं सही था वे इस बारे में चुटकुले बनाते रहते हैं कि कैसे डिजनी कोकीन के उपयोग की अनुमति नहीं देगा लेकिन यह एक ध्यान भटकाने वाली बात है क्योंकि वास्तव में वे सेक्स या नग्नता की अनुमति नहीं देंगे ये चीज वास्तव में ऑस्टिन पॉवर्स और नेकेड गन फिल्मों की तुलना में कम जोखिम भरी है जो यहां सबसे बड़ी निराशा हो सकती है ये देखते हुए कि उनकी रेटिंग कम है मुझे नहीं लगता कि यह विवेकहीनता डेडपूल भावना के अनुरूप है यदि आपको लगता है कि आपको ये पसंद आएगा तो संभवतः आप इसे अपनी आशा से थोड़ा कम पसंद करेंगे लेकिन हो सकता है कि आप ये सोचकर चले आएं कि यह अभी भी ठीक है यदि आपको नहीं लगता कि आपको ये पसंद आएगा तो दूर रहें ये तुम्हें परिवर्तित नहीं करेगा मैं जानता हूं कि यह एक नाटकीय रिलीज है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इसे स्ट्रीमिंग सेवा पृष्ठभूमि शोर के लिए बनाया गया था जो इसके लायक है रयान और यू अपनी भूमिकाओं में इतने अच्छे हैं कि कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ भी इसे देखने के लिए अपने जीवन का समय न निकालना लगभग असंभव है लेकिन ये कोई बहाना नहीं है एमसीयू की वर्तमान स्थिति के साथ इसे ग्यारह होने की सख्त ज़रूरत थी लेकिन ये केवल साथ के साथ समझौता कर पाता है इस पर बड़ी मिश्रित भावनाएं हैं मुझे लगता है कि यह उन मायनों में असंतुलित है जो मुझे अन्य डेडपुल फ़िल्मों के बारे में याद नहीं है हालांकि मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के साथ ऐसी ही भावना थी और बहुत से अन्य लोगों को ऐसा नहीं लगा इसलिए शायद ये सिर्फ मैं ही हूं हो सकता है कि मैं वर्षों से आगे बढ़ रहा हूं और अति सक्रियता पाता हूं मजाकिया से लेकर उदास कथित तौर पर रोमांचक तक थका देने वाला शायद डेडपूल तब और भी मज़ेदार था जब मैं एक किशोर से बमुश्किल बड़ा था मुझे लगता है कि थोड़ा सकारात्मक रहने के लिए डेडपूल और वुलवरिन में मनोरंजक दृश्य हैं ये वह तरीका है जिससे वे एक साथ बंधे हैं या बमुश्किल एक साथ बंधे हैं जिससे मुझे थोड़ा निराशा महसूस होती है ये कहानी किसी भी तरह से बहुत सीधी और बहुत जटिल दोनों है और मुझे लगता है कि इसके लिए लेखक के कमरे में कुछ गलत हो गया है हो सकता है कि यह काम चलाओ कुछ हद हाँ तक मजेदार मैं स्वीकार करूंगा है जो को उस बिंदु तक बिगाड़ देता है जहां कोई लय नहीं है मुझे लगता है कि मल्टीवर्स थकान भी एक भूमिका निभाती है लेकिन मुझे यहां कुछ विचार पसंद हैं मुझे ज़्यादातर एक्शन पसंद है सिवाय एक बहुत ही ख़राब तरीके से निष्पादित एक को छोड़कर जो बिल्कुल समझ से बाहर था दूसरा से आखिरी बड़ा अनुक्रम या मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी लड़ाई जो एक पॉप गीत के साथ समर्थित नहीं है जो लोग कहते हैं कि यह एक ख़राब फ़िल्म है वे वास्तव में गलत हैं इसे देखें और स्वयं देखें एक मावल प्रशंसक के रूप में मैं खराब होने वाली घटनाओं से बचने के लिए और अधिक कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे इस ब्रह्मांड से प्यार करने पर गर्व है ये स्पष्ट रूप से एक हज़ार बटा दस से भी अधिक है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और मेरी पसंदीदा में से एक है ये केवल प्रशंसक सेवा नहीं है ये सच्चे दिल से बनाई गई फिल्म है ये वह चमत्कार है जिसकी हमें आवश्यकता है और यह हर चीज़ के साथ वापस आ गया है धन्यवाद मावल ये सिनेमा की जाति है सबसे मनोरंजक फ़िल्म जिसे आप शून्य सार के साथ देखेंगे ये वर्ष की मेरी सबसे प्रत्याशित फ़िल्म थी और मैं व्यवहारिक रूप से इसके अच्छे होने की प्रार्थना कर रहा था लेकिन जब आप थिएटर में भी खुद को मिश्रित भावनाएं महसूस करते हुए पाते हैं जो व्यवहारिक रूप से हर पांच सेकंड में फूट पड़ती है हाँ यह एक अच्छा संकेत नहीं है स्क्रिप्ट वाकई कमज़ोर है पात्रों के पास बहुत कम या कोई प्रेरणा नहीं होती है और वे बस कुछ न कुछ करते रहते हैं ठीक है कुछ न कुछ करते रहते हैं चापों को मानसल नहीं किया गया है और प्रदर्शनी को पुनरुत्थान के बिंदु तक चम्मच से खिलाया जा रहा है स्क्रिप्ट बार बार एक सुसंगत कहानी कहने के बजाय सस्ते रोमांच को बढ़ावा देती है मजेदार बात यह है कि फिल्म इस सब के बारे में एक चरम बिंदु तक आत्म जागरूक है जहां यह अपनी ही कथा को खत्म करना शुरू कर देती है ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म अभी भी कुछ हद तक खुद को बचाने में कामयाब रही है क्योंकि बाकी सब कुछ एस्टिया है इसमें एमसीयू के कुछ सबसे पागलपन भरे और भयानक एक्शन सीक्वेंस और स्टंट कोरियोग्राफी हैं लगभग सभी चुटकुले उतरे वीएफएक्स विभाग ने खुद को मात दे दी कैमियो बिल्कुल पागलपन भरे हैं उनमें से दो ने इतनी जोर से कानफोर्ड देने वाली युद्ध चीखें निकाली जितनी मैंने किसी थिएटर में कभी नहीं सुनी आप सोच सकते हैं कि यह एक बकवास है लेकिन हमने महसूस किया कि ट्रैक सूची में एक विशेष संगीत है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं थीं लेकिन बहुत अधिक बर्बाद हो गया था वे गाने के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते थे जैसे और भी बहुत कुछ यदि आप इसका उचित उपयोग करना चाहते हैं तो इसे वहां क्यों रखें हो सकता है कि गाना पूरी तरह से काट दिया जाए ऐसा अवसर बर्बाद हो गया सांस फैसला डेडपूल और वुलवलिन एक प्रशंसक के सबसे बड़े सपने के सच होने जैसा है ये परम प्रेम पत्र है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ थिन के कैमियो, प्रशंसकों की भरपूर सेवा और वह खून खराबा जो आयरन मैन को एक शराबी की तरह दिखता है से सभी रसदार सामग्री की पैकिंग है यह एक विचित्र पुरानी यादों वाली आनंद यात्रा है जो भविष्य के एमसीयू पागलपन के लिए दरवाजे खोलती है यदि आप इन्फिनिटी वॉर एंड गेम और नो वे होम के महाकाव्य अनुभव को फिर से जीने के इच्छुक हैं तो कमर कसले बटर कप आप महाकाव्य के रोलर कोस्टर के लिए तैयार हैं शेफ का चुंबन मुआ यह एक दंगा है स्पॉइलर के बिना समीक्षा टंग आउट मेरे पास शब्द नहीं है मैं लगभग रो पड़ा इसलिए नहीं कि ये दुखद था बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने सिनेमाघरों में डेडपूल और वोलवर जैसा कुछ अनुभव किया मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि यह मावल द्वारा अब तक किए गए सबसे अच्छे कामों में से एक है कॉमेडी कमाल की है पिछली दोनों फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन शानदार हैं और सब कुछ एक ऐसी फिल्म में परिणत होता है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे लेकिन ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि यहां बहुत सारे चुटकुलों या संदर्भों को समझने के लिए आपके पास पॉप संस्कृति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ये कुछ विशेष रूप से सामान्य दर्शकों के लिए नकारात्मक पहलू हो सकता है यदि आप वर्तमान रुझानों या घटित होने वाली खबरों का अनुसरण नहीं करते हैं तो ये थोड़ा कठिन है आप थोड़े भ्रमित हो सकते हैं जबकि मजा वहां है कभी कभी वे बहुत अधिक मजा कर रहे होंगे इस हद तक कि कुछ दृश्य बहुत ज्यादा हास्यप्रद लगे इसने हमें अनुभव से थोड़ा बाहर कर दिया सीजीआई को कभी कभी अजीब लगा दृश्य और संदर्भ बहुत हास्यास्पद हो गए यह ऐसा है जैसे उन्हें जो करना था उसे करने की पूरी आजादी थी बिना ये सोचे कि कहानी आगे कहाँ जाएगी मेरा मतलब है हॉलीवुड में पूरी आजादी एक दुर्लभ लेकिन बड़ी बात है लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा है इसके अलावा ऐसा महसूस हुआ कि यह एक मुक्त घूमने वाली फिल्म थी इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया है ये कभी कभी खाली होता है दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए कैमियों और चुरकुलों पर निर्भर रहता है ये कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं और दुर्लभ देखे गए खजानों से भरे एक संग्रहालय की तरह है लेकिन इसे धमाके के साथ समाप्त करने के लिए वास्तव में कोई मजबूत सामंजस्यपूर्ण कथा नहीं थी यह एमसीयू के बड़े दायरे के लिए स्पष्ट दिशा के बिना घूमता रहता है यह कहने की जरूरत नहीं है कि कथानक दिलचस्प नहीं है यह अभी भी, भी दिलचस्प है लेकिन इस फिल्म में हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसके पिछले डेडपुल ने बहुत सारा खून खराबा दिखाया था अब इसमें वुलवरिन जोड़े और आयरन मैन एक के बाद से हमने एमसीयू को अपनी फिल्म में ये सबसे भयानक फिल्म देखी है यह संतोषजनक है हम डिजनी से यही उम्मीद कर रहे थे कि वह किसी भी चीज में कमी नहीं करेगा उन्होंने इसे और भी बेहतर बना दिया है रक्त इस फिल्म का मध्य नाम है और हम एक आनंद के लिए तैयार हैं क्या कथानक काफी दिलचस्प है खैर इसका उत्तर देना थोड़ा अधिक जटिल है निश्चित रूप से यह शुरू से अंत तक एक मजेदार जंगली सवारी है यह स्मृति लेन पर चलने जैसा है लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह फिल्म अपनी कहानी कहने में प्रभाव डालने के लिए उनके कैमियो और प्रशंसक सेवाओं पर निर्भर करती है सभी प्रशंसक सेवाएं वहां से हटा दें क्या यह फिर भी अच्छा रहेगा हो सकता है लेकिन यह कोविड के बाद की एक और एमसीयू फिल्म होगी लेकिन हाँ एक बात निश्चित है ये भविष्य की एमसीयू फिल्मों के लिए बहुत सारे दरवाजे खोलता है सही दरवाजे लेकिन है डेडपूल और के पास देखने के लिए बहुत कुछ है दाव ऊंचे हैं खलनायक दुर्जय है और नामात्र के पात्रों के आप बिल्कुल सुनहरे हैं डेडपूल तो डेडपूल है उसे मौज मस्ती करते हुए देखना एक सुखद अनुभव है वास्तव में ऐसा लगता है जैसे डेडपूल इस फिल्म का निर्देशन कर रहा है और इसे लिख रहा हूं और इसमें सभी चुटकुले डाल रहे हैं सभी चुटकुले अधिकतर मुद्दे पर होते हैं कुछ मौखिक रूप से स्पष्ट हैं कुछ ने वास्तव में हमें जोर से हंसाया कुछ ओवन से ताज़ा भी हैं यह अनसुना है फिल्म वास्तव में जानती है कि प्रशंसक क्या दो को याद करें जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हुई थी वह तब था जब नोवे होम के बाद हर कोई इतना उत्साहित था कि वे एमसीयू से एक और धमाके की उम्मीद कर रहे थे विशेष रूप से जब मल्टीवर्स इससे जुड़ा था तो हर किसी ने सोचा था कि इसमें बहुत सारे कैमियों होंगे बहुत सारे वाह क्षण होंगे और दायरा बड़ा होगा इससे पहले कि हर कोई निराश हो गया क्योंकि यह वैसा नहीं था जैसा हमने उम्मीद की थी हालांकि फ़िल्म है अभी भी अच्छा बस वह प्रचार जिसने वास्तव में फ़िल्म को ख़त्म कर दिया अब डेडपूल और वूलवरिन देखने के बाद ऐसा लगा जैसे डिजनी और एमसीयू ने उससे सीखा है क्योंकि हे लड़के आप 2022 में डॉक्टर स्ट्रेंज में जो कुछ भी चाहते थे वह आपको इस तीसरी किस्त में मिलेगा ये सभी प्रशंसकों के लिए एक प्रेम पत्र है यह एक ऐसी फिल्म है जो भविष्य की एमसीयू फिल्मों को बचाएगी फिल्म शुरू होने के समय से ही हम जानते थे कि इसे बनाने में सभी को बहुत मजा आया यह विचित्र है यह मनोरंजक है और यह सब समाज को वापस लौटाने के बारे में है क्या मैंने कैमियो सुना हाँ, हां यहाँ कैमियो की संख्या इतनी है कि आप संतुष्ट होंगे दो घंटे की फिल्म के लिए यह बहुत है और अच्छी बात यह है कि कैमियो केवल पात्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वस्तुओं भौतिक संदर्भों स्थानों आदि तक भी सीमित हैं बहुत सारे विचार मंथन और रचनात्मक प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं कि वे इन कैमियों में से सर्वश्रेष्ठ लाएं और हम पर विश्वास करें जब हम कहते हैं कि वे कैमियों का उतना ही अधिक सम्मान करते हैं जितना उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए किया था उन्होंने ध्यान दिया और सुनिश्चित किया कि वे कैमियो को सही तरीके से पेश करें जैसा कि होना चाहिए यह फिल्म फैन सर्विस सकल में एक और झटका है पूरी फ़िल्म दर्शकों को अस्पष्ट विशिष्ट चरित्र और भूले हुए फैंटेसी कैमियो की एक श्रृंखला खिलाने के लिए तैयार की गई है जिसमें सबसे कमज़ोर कथानक इसे एक साथ रखते हैं जैसे कि इसे सही ठहराने के लिए इस्तेमाल की गई गम उन्होंने मावल से खींच लिया उन्होंने एकमैन से खींच लिया फिर यह अजीब हो गया और उन्होंने मैड मैक्स और ब्लेड जैसे अन्य प्रशंसकों से खींचना शुरू कर दिया मैं ईमानदारी से हैरान हूं कि स्टार वार्ज यहीं ख़त्म नहीं हुआ लेकिन हो सकता है कि इससे बजट और बेवकूफ़ दर्शकों का दिमाग खराब हो गया हो नब्बे के दशक में हर दिन स्कूल के बाद एक कार्टून देखते हुए बड़े होने के बाद मैंने स्वीकार किया कि लगभग अस्सी प्रतिशत कैम्योर्ड पात्रों को पहचान लिया था और थोड़ी देर के लिए चिल्लाया था ओह ये वही एक लड़का है ओह फिर से सोचने से पहले की बात क्या है था क्योंकि प्रशंसक सेवा के अलावा उनके वहां होने का कोई मतलब नहीं था मेरे पिता उस विशेष स्कूल के बाद के कार्टून के साथ बड़े नहीं हुए थे और उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह खो गए थे और नहीं जानते थे कि कोई कौन था या वे उनमें से अधिक से अधिक लोगों का परिचय क्यों कराते रहे ये केवल प्रशंसकों के लिए लगता है यदि आप इस बात से घबरा गए हैं कि वुलवरिन एक हास्य सटीक पोशाक में है और किसी यादृच्छिक चरित्र की पांच सेकंड की झलक देखकर निरंतर आनंद महसूस करते हैं जो तीस साल पहले एक भीड़ लड़ाई के दृश्य में कुछ एपिसोड में था तो यह फिल्म आपके लिए है यदि आप ये समझ रहे हैं कि ऐसे कारण हैं कि उन्होंने कॉमिक पोशाक का उपयोग क्यों नहीं किया है जैसे कि वुलवरिन को ऐसा कैसे दिखता है जैसे उसकी कौला हड्डियां वास्तव में बहुत ही अजीब तरीके से बाहर निकल गई हैं और वह सभी का एक आकस्मिक दर्शक रहा है मावल के स्वामित्व वाली चीजों में आपको संदर्भ नहीं मिलेंगे और आप उप जाएंगे फिल्म के उद्देश्य का नौवा हिस्सा चूक जाएंगे इसलिए इसे छोड़ दें शॉन लेवी जिन्होंने फ्री गाय नाइट एट द म्यूजियम फिल्म में रियल स्टील और द एडम प्रोजेक्ट बनाई ने डेडपुल के अपने संस्करण को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए वास्तव में बहुत अच्छा काम किया और हमें अंततः वही मिला जो मावल के प्रशंसक चाहते थे मावल स्टूडियोज के साथ सब कुछ शानदार था मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा इसलिए कोई स्पॉइलर नहीं लामाओ लेकिन यह निश्चित रूप से 2024 की सबसे अच्छी दोस्त सुपरहीरो फिल्म थी और मैं दी डब्ल्यू को बार बार देखना पसंद करूंगा और फिर से इस दौरान मेरे पापा सो गए दो बार अगर वह जाग रहा होता तो हम जा सकते थे ये फ़िल्म बेहद उबाव है कार में इस पर चर्चा करने तक हम इसका कारण नहीं समझ सके और फिर लाइट बल्ब हमें एहसास हुआ दो पूरी तरह से मेल खाने वाले अमर प्राणियों को लड़ते हुए देखने का कोई मतलब नहीं है कोई दाव नहीं है हम सभी जानते हैं कि पांच सेकंड से अधिक समय तक कोई भी मरने वाला या कोई परिणाम भुगतने वाला नहीं है इसलिए हर लड़ाई का दृश्य मूल रूप से दो बच्चों को झगड़ते हुए देखने के बराबर था लेकिन इसके साथ ही टाइम आउट का खतरा भी दूर हो गया ये तुरंत थका देने वाला हो गया फिर भी पूरी फिल्म चलती रही यदि वे अनावश्यक लेकिन निरर्थक लड़ाई के दृश्यों को हटा देते तो ये बात